बोल नंदू, तू तैयार है? हाँ बॉस, हम नीचे खड़े हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। इस दुनिया में पैसा कमाने से आसान काम कोई है ही नहीं। उसके लिए बस एक काम करना है, एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो पैसे कमाने के लिए उतावला हो। और इस वक्त मैं ऐसे ही आदमी से मिलने जा रहा हूं। मनी, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। 3 महीने पहले पुलिस ने कृष्णापट्टम रोड पर 5 लोगों को 3 नायाब चीजों के साथ पकड़ा था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ 2 ही चीजें हैं। तीसरे का क्या हुआ? रेड मारने वाले पुलिस में से 3 ने नौकरी छोड़ दी। एक सिंगापुर में बस गया है, दूसरा दुबई में परिवार के साथ, तीसरे ने रूलिंग पार्टी को फंड दिया और उसमें ज्वाइन हो गया। यह भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में एमएलए के लिए खड़ा हो जाए। इन सब ने मिलकर बस एक चीज निकाली जिसे 15 करोड़ में बेचा है। वैसा ही एक और पीस अभी बाकी है। सोचो, हमारे हाथ आया तो। मैं इस बिजनेस की नस नस से वाकिफ हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। हमें सिर्फ 10 लाख चाहिए जिससे हम 15 करोड़ बनाएंगे। 15 करोड़ बहुत खास पीस है। मैंने इसके बारे में पहले भी कभी सुना है। पता नहीं इस पर भरोसा करूं या नहीं। मुझे सोचने का वक्त दो। एक बार नहीं, 100 बार सोचना। वो क्या है ना, हमारा फैसला हमारी जिंदगी है। डन है तो कॉल करना। ठीक है, राधे राधे। ए सिग्नल, बोलो गुरु। ये शेट्टी मालदार है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना गुरु? सन ड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, शीतल ड्रॉप, ये ब्रांड हो वो ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो, उस पर ISI मार्क लगाकर मार्केट में बेचता है। दूसरों की प्रोफाइल पर हर महीने तकरीबन 5 से 6 पेटी कमाता है ये। अगर इसके पास पैसा नहीं हुआ तो फिर शहर में किसी के पास नहीं होगा। आपको लगता है कि ये बकरा फंसेगा? उसे प्लान बता रहा था तो उसकी आंखों में चमक थी। कॉल तो जरूर करेगा। शेट्टी उस्ताद, तुम बस आए, बड़बड़ाए और चले गए। तब से बस वही बात दिमाग में घूमे जा रही है। याद है तुमने कहा था हमारे फैसले हमारी जिंदगी बनाते हैं? मैंने सोच लिया। राधे राधे। मुझे तुम पर भरोसा होने लगा है। इसमें कोई चक्कर तो नहीं? चक्कर तो बहुत बड़ा है। आए? ऐसा खतरनाक चक्कर है जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर बैंक बैलेंस बन जाएगा। आज तेल की दुकान है लेकिन कल आपकी तेल की फैक्ट्री होगी। कल ही फीस उठाते हैं। वैसे भी कल वैकुंठ एकादशी है। भगवान भी पैसे बरसाते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कहीं फीस हाथ से ना निकल जाए। ये हमारे हाथ से नहीं निकलेगा। राधे राधे। कल ये हमारा होगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यही क्लाइंट है। नमस्ते। राधे राधे। आइए गुरु जी की शरण में चलते हैं। तीन साल तक खोजने के बाद मिला हमें ये। स्वामी, इसका वजन कितना होगा? पूरे 4 किलो। 4 किलो? खतरनाक पीस है शेट्टी जी। बहुत ही ताकतवर पीस है। आप लोग यहीं ठहरिए। ध्यान में मग्न है। अब कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा, चुपचाप चलो। इसने इनकार क्यों किया? वो बाद में सोचते हैं, पहले पीस देखते हैं। अरे शेट्टी जी, जरा जल्दी करो, मुझे हनीमून पे जाना है। मुबारक हो शेट्टी जी, अगले 2 दिनों में आप 15 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। अब आप इस शहर के टाटा बिरला बन जाएंगे। बस हमारा 20% कमीशन मत भूलिए। ये क्या कह रहे हो? मैंने जो वादा किया है वो निभाऊंगा। वैसे गुरुजी ने बात करने से इनकार क्यों किया? सुनिए, हाँ, ये सांप 200 भाषाएं जानता है। जो हम कहेंगे ये समझ जाएगा। इसे प्लान पता चल गया तो दुख से इसका वजन कम हो सकता है। ऐसा है? वजन 4 से कम हुआ तो कीमत कम, इसीलिए तो यहाँ की मिट्टी भी लेकर जा रहे हैं। आयो। क्या हुआ शेट्टी जी? आज से मैं झोल माल का होशियार कपूर। बहुत ही कमाल का पीस है। अब आगे चलिए, हम पीछे आते हैं। शेट्टी साहब, आप बकरे के गोश्त को छोटे छोटे पीसेस में काट के नारियल के खोल में डालकर उसमें अंडा भी मिला देना, इससे अच्छा लगेगा। मेंढक मिल जाए तो और भी अच्छा। शेट्टी जी, इससे पसंद है, इसके अलावा मत खिलाना वरना फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। साहब, इन गोलियों में क्या है? साहब, मेरा फोन है। नीचे उतरिए, मैंने कहा नीचे उतरिए। अरे ऐसा जुल्म कोई करता है क्या? नीचे उतरो। सेम दर्द तुमको भी दूं क्या? मैंने उसे फोन समझा। ये फोन रखने की जगह है क्या? हा? अरे आप वहीं पे रखते हो क्या? उस तरफ चल के बात कर। चुप हो जा। कोई भी ऊंची आवाज सुनते ही मेरा वजन कम हो जाता है। कोरोना के बाद यही बीमारी आई है क्या? अरे उसके अलग अलग सीजन भी है। इसकी वैक्सीन कब निकल? जरा एक मिनट रुक, तू चल, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तब तक मैं 2 पैक मार के इसकी वैक्सीन बनाता हूँ। हाँ, ऑयल का कारोबार करने वाले शेट्टी जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं मदुरई से बात कर रहा हूँ। हमने सुना है आपके पास डबल इंजन डबल मूवमेंट है। ये डबल इंजन डबल मूवमेंट क्या है? सांप खरीदते समय क्लाइंट ने कुछ बताया नहीं क्या? हाँ, उन्होंने बोला था, याद है मुझे। हाँ, तो देखो हमारे पास 20 करोड़ की पार्टी है। क्या 20 करोड़? अब तक किसी को बेचा तो नहीं ना? हाँ। अच्छा, वजन कितना है? 4 किलो 4 kg। बहुत अच्छा पीस है, हम 2 दिन बाद आएंगे। हाँ, किसी को बेच मत देना। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो 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 हेलो। ये राधे राधे अब तक क्यों नहीं आया? हेलो, रुको रुको, क्या हुआ शेट्टी जी? तुम पहले यहाँ आओ तो सही। अरे चलो मेरे साथ। बताइए तो बात क्या है शेट्टी जी? मदुरई से मुझे अभी अभी क्लाइंट का फोन आया है। हाँ? उन्हें इस बात की खबर कैसे हुई कि पीस हमारे पास है? लोगों का गुड लक उनकी हथेली पे लिखा होता है, आपका तो आपके फोन में है। हाँ, मैं जानता हूँ। वो तुम्हारा जो क्लाइंट है वो 15 करोड़ दे रहा है, वही ये मदुरई वाला 20 करोड़ देगा। इसे दे दे क्या? थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए, पहले ही जुबान दे दिया ना। अरे जुबान को छोड़ो, माल देखो। लेकिन मैं इस पार्टी को नहीं जानता, आप बस मुझे मेरा कमीशन दिला दीजिए बस। देख बॉस, तू अपने कमीशन की फिक्र मत कर। ठीक है शेट्टी जी, पीस आपका है, मर्जी आपकी। ये लोग इसके इतने सारे पैसे देंगे, इसका करते क्या है ये लोग? छुपा हुआ खजाना ढूंढते हैं। तब तो हम बड़ा मुंह खोल सकते हैं। आओ चलो। तुम कुछ भी बोलो, सांप को घर में रखना बहुत ही टेढ़ा काम है। देखिए, उसे सांप मत कहिए, किसी ने सुन लिया तो परेशानी होगी। पुलिस को पता चला तो जेल में डाल सकती है। तो फिर क्या करें? आप कहें तो नाम रख लेते हैं। अच्छी बात है, तुम ही कुछ बताओ। इतने ताकतवर पीस का नाम ब्रूसली कैसा रहेगा? ओए मां, ब्रूसली ब्लॉकबस्टर नाम है। मस्त उस्ताद। ओके शेट्टी जी। क्यों भाई, बढ़िया लगा ना? ओह सुन भाई, मेरे घर कुछ खास लोग आने वाले हैं, इसलिए इस बकरे के पीसेस इतने बड़े बड़े करके देना। शेट्टी जी, खाना हो गया? हाँ हो गया, अभी डकार लेके बैठा हूँ। आप समझे नहीं, आपके बारे में नहीं पूछ रहा। ब्रूसली का खाना हो गया? हाँ, उसका खाना भी हो गया है, वो अभी अभी डकार लेके सो गया। अच्छे से ख्याल रखिए। हाँ हाँ बोलो ना, क्या कहा? कल 10 बजे पधारेंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको यहीं मिलूंगा। सुनामी की लहर भी आ जाए तो भी। फिर से चालू हो गया ये। हेलो, अरे बंगा राजू, सबको क्यों सुना रहा है कि तेरी बेटी जवान हो गई है? आवाज को कम कर। मियां, एक काम करो। कौन सा काम? मुंह में ताला लगाओ और फोन रखो। ए, आवाज तेज करो। बेवकूफ कभी सुधरने वाला थोड़ी है। क्या वक्त पर कॉल किया है? एक अच्छी खबर है, वो मदुरई वाली पार्टी आ रही है कल। क्या बात है शेट्टी जी, मेरा 20% कमीशन मत भूलिएगा। इंतजार की हद होती है। शेट्टी जी, हाँ आपकी पार्टी आएगी ना? इतना बड़ा झोला लाए हो तो आएगी ना। लो नाम लेते ही हाजिर। वेलकम राधे राधे। मेरा नाम गुरु है। गुरु, फोन पे तुमसे ही बात की थी मैंने। मेरा नाम धन शेट्टी। हाँ कोई बात नहीं, ये थोंगा दुराई मदुरई की पार्टी है। नमस्कार। तो यही है राधे राधे। आइए आइए। राधे राधे। यही हैं जिन्होंने वो सांप वाला काम किया है। ओह तो यही है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है, आइए। हाँ चलो अंदर आइए ना। ये है हमारी झोपड़ी। ऐसा लगता है लक्ष्मी का वास है यहाँ। खोलो बैग खोलो। जरा अपना काम भी कीजिए। ये क्या हुआ? क्या हो गया? 2 किलो भी नहीं है। यकीन मानिए 4 किलो का था ये। ये सब हो क्या रहा है भाई साहब? 2 किलो के पीस को 4 किलो का कैसे मान लूं? क्या शेट्टी साहब, मुझे पता था कि आप काम करोगे, इसलिए मैं इनको यहाँ पर ले आया। 4 किलो ही वजन था उसका। जब हमने खरीदा तब क्या वजन था उसका, बताओ ना कुछ। शेट्टी जी उसके सामने कुछ बात तो नहीं की? अरे हाँ, ऐसा करने से इसके वजन में फर्क पड़ता है ना। और क्या, मैंने तो एक लफ्ज तक नहीं बोला। हमारे पड़ोसी ने भोंपू बजाकर शहर में ऐलान किया कि उसकी बेटी जवान चिट्टी हो गई है। ये सब क्या है? इतनी मुश्किल से कैश लाए हैं, वो भी छुपते छुपाते हुए। इस बैग को 2-2 चेकपोस्ट से बचा कर लाए हम यहाँ। आपको पहले ही बोला था ना शेट्टी साहब। समझ गया राधे राधे। लक्ष्मी मेरे दरवाजे पर आकर वापस चली जा रही है। क्या गुरु, पहले सारी बातें तय कर लेते फिर बुलाते, इस तरह से डील होता है क्या? ये क्या किया शेट्टी जी, सबको अपसेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अच्छा शेट्टी जी, एक और मौका है आपके लिए। साहब के वजन में 4 किलो अलग से इजाफा करो, 10 लाख अलग से मिलेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है। इज्जत का भाजीपाला कर दिया इन्होंने। राधे राधे। उसकी इज्जत को छोड़ो, मुझे बताओ कि उसका वजन कैसे बढ़ाएं। अगर 5 लाख और खर्च कर सकते हैं तो इसका वजन बढ़ जाएगा। 5 लाख? अरे आपको ये 20 करोड़ नहीं दिखाई दे रहे? अरे हाँ सॉरी, अब बताओ उसका वजन कैसे बढ़ाएं। हैदराबाद में इसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर है, डॉक्टर अनुसिया, स्नेकोलॉजी स्पेशलिस्ट। स्नेकोलॉजिस्ट? लंदन से FRCS किया है। क्या किया? सांपों की स्पेशल डॉक्टर। ओ सांपों की डॉक्टर है। सुनो यार, अब तुम सोचो मत, जल्दी उसे फोन लगाओ। एक और होशियार कपूर। ये क्या बोल रही है? मरीज का नाम पूछ रही है। ओह ब्रूस ली। ब्रूस ली। घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा पेट खराब है तो जड़ी बूटियां लिखी हैं, सोने के बाद खिला देना, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। मतलब ब्रूस ली का वजन 1 हफ्ते में 4 किलो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। लीजिए। अरे ब्रह्मारंभा। हाँ बोलना। आजकल तेरे घर में बहुत लोग आने लगे हैं। अभी तेरा आदमी बालकनी में किसी औरत से बात कर रहा है, जरा ध्यान रखना नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। हाँ बोल प्रवीण। पिताजी हम लौट आए हैं, पर घर में से एक सांप निकला है। सांप? सांप? हाँ पापा, माँ उसे मारने के लिए बंदूक ढूंढ रही है, आप जल्दी घर आ जाओ। अरे उस नागिन को रोक, तू वो सांप नहीं, वो ब्रूस ली है। 20 करोड़ का ब्रूस ली। अरे कोई मर गया क्या जो शेट्टी इस तरह भाग रहा है? अरे चुप करो नल्लो। अरे ये शेट्टी ऐसे भाग क्यों रहा है? लगता है कोई बिना ब्याज दिए ही मर गया है। अरे हट जाओ, हट जाओ। सुनो जी, जब मैं घर में आई तो मैंने सांप को यहाँ देखा, तो मैंने भी इसे नहीं छोड़ा। अपने आप को खल्ली समझती है तूने। मेरे क्या कर रहे हो? मारा हट जा तू। मेरे ब्रूस ली को मारेगी तू? तुझे हाथ मारता है क्या? मैं पापा ने दिन में भी चालू कर दी। मालिक के घर में सांप घुसा है। सांप सांप मारो मारो। चलिए ऐसे भाग भाग ऐसे। तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? ये पागल तो नहीं हो गए, या कहीं किसी ने इन पर काला जादू तो नहीं कर दिया? काला जादू की तो ऐसी के तैसी बात पर चल, तू जान बताता हूँ मैं क्या होता है काला जादू और पीला जादू। चल बैठ, चिल्ला मत अब, तू भी हट यहाँ से। क्या हो गया इन्हें? बोलिए शेट्टी जी। राधे राधे। मेरी तकदीर फूट गई। क्या हुआ शेट्टी जी? मेरी बीवी ने ब्रूस ली को कूट दिया। क्या कहा? ब्रूस ली को मार दिया? मरा नहीं है, सारी हड्डियाँ टूट गई हैं, तुम आ जाओ। आप फिक्र मत कीजिए शेट्टी जी, वो डॉक्टर अभी यहीं है। बस एक काम कीजिए, स्वामी जी ने जो मिट्टी दी थी उसके घाव पे लगा दीजिए। ओहो, और 2 लाख रुपए तैयार रखिएगा। पैसे की फिक्र मत करो, बस तुम आ जाओ। ठीक है, आ रहे। क्यों मारा तूने उस मासूम ब्रूसली को, क्यों मारा? हे भगवान, क्या हो गया है आपको? एक सांप को ब्रूसली क्यों कह रहे हो? अरे वो सांप नहीं ब्रूसली है। मदुरई की पार्टी इसके 20 करोड़ देगी मुझे। ब्रूसली, मैंने तेरी कीमत जाने बिना ही तुझे मारा। अरे चुप, अब रोना रोने से क्या फायदा? सर की तो लोगों को हो क्या? निकल गए यहाँ से। सांप के कान नहीं होते, वो इतनी जुबान क्या समझेगा? सांप के भेष में आके उसने आपको ही डस लिया। अबे तो तुझे तो सब पता है, तू जाना यहाँ से। रुको अभी दिखाता हूँ। ये देखो पापा, ये है रेड सैंड बोआ, एक मामूली सा सांप है। इसके बारे में झूठी कहानी बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। क्या पापा, किसी ने आपको भी ठग लिया क्या? ऐसी बोलिए शेट्टी। राधे राधे। मेरे बेटे का एक सवाल है कि बिना कान का जीव 200 भाषाएं कैसे समझ सकता है? अरे वो तो बच्चा है शेट्टी जी, उसे ये सब क्या पता। आप पैसे तैयार रखिए, हम आ रहे हैं। ओके ओके, लेकिन जल्दी आओ। ए सिग्नल। हाँ गुरु। चल गाड़ी घुमा ले। क्या हुआ गुरु? शेट्टी की आवाज में लालच नहीं है, उसे शक हो गया है। मैंने सुना है डबल इंजन डबल पीस हाथ लगाए। कमाल की एक्टिंग की अनुसिया, सीन में धमाल मचा दी। तैयार रहना, जरूर फिर से बुलाऊंगा। तू तो बॉर्न एक्टर है यार। हेलो हेलो गुरु भाई, सिग्नल। हेलो सिग्नल नहीं मिल रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही उत्तम। मेरा नाम उत्तम नहीं आकाश है। क्या आकाश? अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। साहब इस वक्त वाइजाक में हूँ गुरु भाई, सपनों का शहर है। खिला दो ना साहब। तो एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, गुलाब जामुन। बिजनेस भी जोर पकड़ रहा है। गरम गरम है। यहाँ कुछ अच्छे दिन निकल आएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप आ जाओ 4 दिन में। आता हूँ। मेम साहब, उधर खोए वाली जलेबी बन रही है, 50 रुपए दो ना। अरे दीदी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यतीम हूँ मेम साहब, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। तब तो तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पेट भरने के लिए क्या करूँ? जरा उस तरफ देखो, वो भी तुम्हारा हम उम्र है। उसके पास माँ बाप है, शायद उसके भाई बहन भी होंगे। वो सब उसके अच्छे भविष्य के लिए मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए कोई मदद नहीं करेगा। अपनी जिंदगी तुम्हें खुद बनानी होगी, अपने लिए बेहतर रास्ता चुनना होगा, हर चुनौती का खुद ही सामना करना होगा। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम ये रास्ता छोड़ नहीं देते। पढ़ाई करने से ही तरक्की मिलती है। पढ़ाई करोगे ना? चलो। निमसा मैं अभी आया, जल्दी आना। साहब, अरे छोटू, हेलो एवरीवन। बहुत कम समय में अपने आप को बिजनेस टाइकून साबित कर चुके हमारे एमडी आकाश विहारी आपसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। साउंड्स गुड। गोल्डवे मिडास टच, यानी धोखा देकर बर्बाद करने वाली कंपनी, ऐसा ही आप सोच रहे होंगे, और यही सोच मेरी भी थी। फिर मेरे बॉस ने कहा, आकाश क्या हम लोगों की ये सोच नहीं बदल सकते? यस, मैंने यकीन किया और इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं और मेरी BMW वहां खड़ी है। लेकिन यकीन यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मुझे आइलैंड खरीदना है, वहां एक महल बनाना है जिसमें 600 लोग मेरे लिए काम करेंगे। मेरे आने जाने के लिए खास रनवे होगा। गरीब के पास कुछ नहीं है। मैं आज अमीर हूं, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। जो लोग मेरी तरह सोचते हैं वो यहां रुक सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं। निकल जाइए यहां से। लेकिन जाने से पहले अपने बगल में बैठे आदमी का चेहरा याद रखिए। एक दिन वो अपनी बेंज या BMW में आपके पास आकर कहेगा, हाय याद है हम साथ बैठे थे? तब आपको जलन होगी। आपको जलन होगी या नहीं? आप पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। गोल्डवे इज द ओनली वे। आपकी गर्लफ्रेंड आपके पड़ोसी के साथ भाग जाएगी क्योंकि आपने उसे बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया। गोल्डवे इज द ओनली वे। अगर बैंक का आदमी आकर आपकी बाइक लेकर जाएगा तो क्या करेंगे? गोल्डवे इज द ओनली वे। ये पैसा जो आप आज MLM स्कीम में लगा रहे हैं, कल ये आपके कदमों में बिछा होगा। फिर आपको फैसला करना है एक एक करके नोट उठाने या बाल्टियों में भरने हैं। इंडिया में हर चीज के लिए लाइन लगती है, या तो लाइन में लग जाओ या अपने सामने लोगों की लाइन लगाओ। लोगों की लाइन लगा देंगे, सबको सामने खड़ा करेंगे। परेशानियों से बचने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा, पैसा, yes, पैसा। That's the spirit. That's the spirit. प्लैटिनम अश्विन और डायमंड अजय। वेलकम टू द रिच मैन्स वर्ल्ड। मिडास टच मतलब ऐसी मिट्टी जिसे मिटाशियम कहते हैं, जिससे लोहा भी सोने में तब्दील हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में सोने में बदल जाता है। और अब आपके सामने पेश कर रहे हैं मैजिक पर्ल। ये देखने में जरूर साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये हर बीमारी की दवाई है और इसे अमेरिका की अलास्का नदी से हिंदुस्तान लाया गया है। इसका कुछ वक्त पहले ही एक नीलामी में 10,000 करोड़ का सौदा हुआ था। ये एक लाइलाज बीमारी की दवा है, बेहद सर्वशक्तिशाली। मैजिक पर्ल की खूबियां बताने के लिए अब आपके सामने आ रहे हैं मध्यपालम के मिस्टर मुरली कृष्णा। पहले मैं अपने हाथ इस तरह उठाता था तो जोर जोर से कांपते थे, लेकिन इस मैजिक पर्ल की एक बूंद रोज पीने से मेरे हाथों में भरपूर ताकत आ गई। आज का स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए, सिर्फ 2,000 रुपए। आज का स्पेशल ऑफर सिर्फ 2,000 रुपए। ये लो। अच्छा, अरे असली माल पानी उधर है, तुम क्या खा रहे हो? आप आ गया ना। कितना लजीज खाना है यार, कंपनी बहुत बढ़िया होगी ना? यार हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए। हाँ। यस। गुड मॉर्निंग MD सर। वेरी गुड मॉर्निंग अश्विन। एक लड़की आपसे मिलने आई है, भेज दो उसे। That's so nice of you, Robert. And we will send you the consignment by. Good morning, sir. Probably. चल फोन रख। Good morning. Sir, my name is Avni, sir. Please take a seat. अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। कोई बात नहीं, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम अवनी है, मैं चिन्वांतरू से हूँ सर। सेमिनार में हिस्सा लूंगी तो जॉब मिल जाएगी, मेरी सहेली ने कहा। मैंने आपकी स्पीच सुनी सर। ओह। लेकिन इस स्कीम में शामिल होने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर। मैंने अपनी पढ़ाई शारदा ऑर्फनेज से पूरी की है सर। ओके। मैं दिल लगाकर काम करूंगी सर। मैं बड़ी आस लगाकर आई हूँ कि आप मुझे किसी नौकरी पर रख ही लेंगे। देखो भुवनी। अरे सर मेरा नाम अवनी है। अवनी? हाँ अवनी। ऑफिस स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैंपस ड्राइव में ही हो चुकी है, तो ऑफिस के बजाय तुम स्कीम ज्वाइन कर लो। अरे नहीं, मेरे पास इतनी रकम नहीं है सर। नो प्रॉब्लम, पैसे मैं देख लूंगा। मिस्टर अश्विन। यस सर। अवनी आएगी, उसे स्कीम ज्वाइन करा देना। ठीक है, उससे पैसे लेने हैं ना? नहीं, उससे कोई पैसे नहीं लेने। हाँ हाँ। yeah? ओके सर। बाहर अश्विन बैठा, उससे मिल लीजिए। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। सर आपने मेरे मांगने पर मुझे जॉब दे दी, आप बहुत नेक दिल हैं सर। ऑल द बेस्ट। उस्ताद। क्या बात है, पहली मुलाकात में उस लड़की को सिल्वर में रख दिया। ए, तू जानता है ना मैं कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता। सिग्नल गुरु, कितना कलेक्शन हुआ है? अभी कुछ खास माल इकट्ठा नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उससे स्कीम ज्वाइन करवाई है। हा? हमारे माल को वो किस तरह बढ़ाएगी कल देखोगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनी है, मैं चिनवाल तरु से आई हूँ। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। इंद्र भगवान जो कभी किसी पे दया नहीं करते, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, पूजा पाठ या हवन, वो नहीं मानने वाले। एक दिन एक राज्य में सूखा पड़ गया, लोग फिर से पूजा पाठ में जुड़ गए। फिर काफी दिनों के बाद इंद्र भगवान ने सोचा आज बारिश बरसाऊंगा। फिर उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी इतने दिनों तक बारिश नहीं, फिर आज ही करने की वजह क्या है बताइए। तो उन्होंने बताया कि काफी वक्त से लोग बारिश के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, पर किसी को यकीन ही नहीं कि बारिश होगी। जरा उस शख्स को देखो जो छतरी लेकर आया है, जिसे पूरा भरोसा है कि आज यहाँ जरूर बारिश होगी। बाकी सब पूजा पाठ में लगे थे, लेकिन ये एक ही था जो छतरी लेकर आया था। उसे पूरा यकीन था अपने आप पर। उसका भरोसा कायम रखने के लिए उस दिन उन्होंने बारिश बरसा ही दी और उस दिन सब बहुत खुश हुए। तो हमारा भरोसा पूजा पाठ से भी कई ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इसी यकीन ने मुझे इस टीम में सिल्वर बनाया है और फिर उसके बाद गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, वो तो बन ही जाऊंगी और वही मेरी मंजिल है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, अच्छी थी। थैंक यू, बहुत अच्छा। सर से जरूर मिलिएगा। अरे ये देखो, 25 देशों में 500 ब्रांचेस हैं। कितने लोग काम कर रहे होंगे, इतने बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। यहाँ बैठे सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, 2 साल पहले मैं बैंक में मामूली सा नौकर था और बैंक के लिए मैं दूसरों के नोट गिना करता था, लेकिन आज उन्हीं बैंकों को मेरे नोट गिनने पड़ रहे हैं और ये सारी मेहरबानी है गोल्डवे की। मैं भी आप सभी की तरह एक बार इनका सेमिनार अटेंड किया था और देखते ही देखते 1 हफ्ते के अंदर ही अपना इस्तीफा ले जाकर बैंक मैनेजर के हाथ में दे दिया। तो उल्टा उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कहा हाँ सर, गोल्डवे के लिए दिमाग खराब है। ऐसा ही जुनून मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ। गोल्डवे को अपनी जिंदगी बना लो, तभी मुझ जैसा मुकाम हासिल होगा। गोल्डवे की जय हो। गोल्डवे जिंदाबाद। मैंने गोल्डवे ज्वाइन किया है और अब मैं 25,000 कमा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें भी इससे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, ताकि और कमा सको। बताइए आप लोगों में से किस किस का पहला दिन है और आज आप यहाँ किसके जरिए आए हैं? मेरे भैया, मेरे दोस्त ने। नो, तो आज आपको यहाँ पर लेकर आया है आपका आत्मविश्वास। हाँ या ना? हाँ, हाँ, हाँ। बहुत खूब, आपके अंदर के जुनून को बाहर आने दो। अनलॉक योर एनर्जी। गोल्डवे मैजिक पर्ल। गोल्डवे मैजिक पर्ल। गोल्डवे मैजिक पर्ल। गोल्डवे मैजिक पर्ल बहुत ही अच्छा है। गोल्डवे मैजिक पर्ल बहुत ही अच्छा है। सर, अवनी, गेट इन। रहने दीजिए सर, आप चलिए सर, मेरी बस आती ही होगी, मैं चली जाऊंगी। That's okay, it's on the way, मैं ड्रॉप कर दूंगा। गेट इन। सर। या? सर, आपको मेरी स्पीच कैसी लगी सर? इम्प्रेसिव, वही देखकर तो तुम्हें नौकरी दी है। नौकरी देने से पहले आपने मुझे थोड़ी ना देखा था सर, है ना? देखा था। हाँ? सच में? या? कहाँ देखा था? बीच रोड पर, जब तुम वहाँ उस बच्चे को जिंदगी के बारे में बता रही थी। अरे वो छोटा सा बच्चा था, मेम साहब कर रहा था, तो इसीलिए मैंने उसकी मदद कर दी। उसी दिन अनाथ आश्रम में उसका दाखला करा दिया। पढ़ाई में बहुत तेज है। सर बाई तरफ। शुक्रिया सर। अवनी। हाँ? ये किताब मुझे बहुत पसंद है, मैं ये किसी को नहीं देता। You read it, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाय। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, मैं ये किसी को नहीं देता। अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी आपने। अगली बार से मेरी मीटिंग्स तुम ही मैनेज करोगी। ओके। नाइस ड्रेस। शुक्रिया सर। और फिर एक दिन हम सब हवाई जहाज में बैठेंगे और दूर कहीं जाएंगे, आसमान में उड़ के। ठीक है। Listen everyone, Goldway's best employee of the quarter, none other than Avni. क्या बात है? Congrats Avni. Thank you sir. Keep it up. Very nice. Avni, congratulations. Congratulations. Thank you. Sir, इनसे मिलिए। ये है राघवेंद्र राव। हेलो। ये शारदा नाम का ऑर्फनेज चलाते हैं, यतीम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मैं भी वहाँ बच्चों की देखभाल करती हूँ सर। दैट्स सो नाइस। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपसे यहाँ ये पूछने आया था कि क्या आप हमारे आश्रम के एक दो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं? श्योर, हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। विल डू इट। मैंने आपसे कहा था ना सर, बहुत नेक इंसान है। थैंक यू सर। उस्ताद आप उस लड़की को कुछ ज्यादा ही जगह दे रहे हैं। जगह का सही इस्तेमाल आता हो तो जगह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया जानकार लोगों की वजह से नहीं चल रही है, बल्कि अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। और अच्छे लोग ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। आकाश विहारी उम्र में बहुत छोटे हैं, परंतु हृदय से बहुत बड़े हैं। हमारे देश में कुछ लोगों में रिलीजन फीलिंग है और कुछ लोगों में रीजनल फीलिंग है। कई लोगों में कास्ट फीलिंग है तो कई लोगों में कैस्ट फीलिंग है। इसीलिए हम सब साथ होते हुए भी अलग अलग जी रहे हैं। हम ऐसे क्यों जिए? अगर हमारी जेब में पैसा है तो क्या जेब के पीछे दिल नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आइए इस नेक काम में साथ खड़े हो जाए, दिखाएं कि हमारे पास भी दिल है। गोल्डवे की तरफ से इन अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश। सर बच्चों के साथ एक फोटोग्राफ। अवनी कम सेंटर में आइए सर। हे आराम से, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ उस्ताद हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें 8 लाख खर्च हुए हैं और हमारे भाड़े के कपड़े में 1 लाख खर्च हुआ है। ओए, तू सिर्फ खर्चा ही बताएगा, कलेक्शन बताना। 1 करोड़ 75 लाख उस्ताद। कितना? सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख अब तक? सोचा 3 करोड़ तो हो गया होगा। गुरु अभी तक का जो कमीशन हुआ है वो 25 लाख है। 15 दिन में चेक मिल जाएगा। कौन से बैंक का गुरु? बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुबारक हो। नाइस। अब लगता है अपनी लाइफ सेट हो गई। बाप रे बाप, क्या शानदार ऑफिस है। टोपी पहनाने के लिए अच्छा ऑफिस बनाया है। ए, चल बता तेरा एमडी कहाँ है? चल बता, बताना बताना कहाँ है तेरा एमडी। अभी के अभी मिलवा उससे। चल चल कहाँ है वो बता, बात करनी है उससे अभी। बता कहाँ है वो, बता ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल बता कहाँ है वो। चल चल मुझे लगता है बुला कर नहीं जाएंगे। जाना बुला कर। अब क्या करेंगे? इन्हें चाय के चक्कर में उलझा के रख। हाँ। और ध्यान से उनकी बातें सुनते रहना। ठीक है सर, चाय लीजिए। चल निकाल। जी जी, मैं सीआई को अच्छे से जानता हूँ। चलो सर, शिकायत करते हैं। पहचान बताने की जरूरत नहीं है। बगैर पैसे लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हेलो हेलो उस्ताद। हाँ बोल नंदू। यहाँ एक बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? हमने जितने भी चेक्स दिए थे वो सभी बाउंस हो गए। तूने चेक इशू भी कर दिए? 15 दिन के बाद की डेट डालना आप ही ने कहा था। अबे गधे, मैंने 15 दिन बाद 15 दिन आगे की तारीख डालने के लिए कहा था। ओके ओके, भागना पड़ेगा। अब जो कहता हूँ वो कर। ठीक है उस्ताद। हेलो, अपनी अश्विन से एक बैग कलेक्ट करना, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। ठीक है सर। अरे बताना कहाँ तेरा एमडी? बोल कहाँ छुपा रखा है उसको? बता 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 कहाँ तेरा एमडी? क्या है? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। अरे नाराज क्यों ना हूँ? तुम्हारा एमडी मुझे फिर से टोपी पहनाएगा? तुम्हारा एमडी बहुत बड़ा धोखेबाज है। तुम धोखेबाज किसे कह रहे हो? हमारे एमडी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी हाल फोन किया था, कह रहे थे वो आ रहे हैं, बस पहुँचते ही होंगे। गुस्सा करने से सेहत खराब होती है, शांत हो जाइए। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, आप जाइए। मोहतरमा खुद तो इतना गुस्सा कर रही है और हमें कह रही कि हम नाराज हो रहे हैं। जल्दी बैठो। ठीक है सर। अरे चल चल, सब हो गया, चल निकल यहाँ से, जल्दी। जल्दी कर, चल जल्दी भाग, चल। सर वहाँ जितने भी लोग आए थे आपको धोखेबाज कह रहे थे। आपके बारे में गलत सुनकर मैंने तो उनकी वाट लगा दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गुस्सा कर सकती हूँ। उन्हें पता चल गया है, वो लोग सच कह रहे थे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप तो काफी नेक दिल है सर। नहीं अब नहीं, मैं बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ। नहीं सर, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। दुनिया में कुछ सही या गलत नहीं होता आपने। तो क्या आपने पैसों के लिए मासूम लोगों को धोखा दिया? मासूम लोगों को धोखा नहीं दिया, लालची लोगों को दिया है। नाइस ड्रेस। ऐसे पैसों से थोड़ी ना खुशी मिलेगी सर। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो अम्मी। पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। वो क्या है ना, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। दुनिया में हर कोई अपने जीने का तरीका चुनता है और मैंने ये तरीका चुना है। एक मिनट, तुम्हारा काम खत्म हुआ।1947, 13 अगस्त, भारत की आज़ादी के ठीक 2 दिन पहले 3 जहाज भरकर खजाना इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन पहुंचे सिर्फ 2। तीसरे की ट्रेजेडी हो गई। कलिंगपट्टनम पोर्ट से निकलने के 3 घंटे बाद वो समंदर में डूब गया और उस जहाज में 100 करोड़ का खजाना था। और इसी पर मेरी टीम और मैं पिछले 6 महीनों से रिसर्च कर रहे हैं। हमें इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल गया है, लेकिन इसे बाहर निकालने में 3 करोड़ का खर्चा होगा। हमने काफी सारा पैसा रिसर्च पर खर्च किया, तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉफिट 50-50। इट्स अ ट्रैप, बोट, मूव, मूव। हेलो श्रीकांत, एस्केप। क्या हुआ उस्ताद? भाग जाओ वहाँ से। पुलिस आई, चल भागो, पुलिस है। अरे यहाँ भी है। चल चल चल, इस तरफ, इस तरफ, जल्दी। ओए रोक वरना गोली चला दूँगा। जल्दी भाग। अरे सर कितना चाहिए बताइए ना, आपके साथ साथ पुलिस स्टेशन को भी फंड कर दूंगा, बस रजिस्टर में नाम मत लिखवाइए। ओह खरीदना चाहता है मुझे, इधर स्माइल प्लीज। अब इसके आगे बोलना। हेलो अजय, मैंने अभी अखबार में देखा है उत्तम कुमार अभी कलिंगपट्टनम पुलिस स्टेशन में है, वहाँ के इंस्पेक्टर का नंबर निकालो जल्दी। हाँ अजय क्या हुआ? सलाम साहब, ये रहा एसआई का नंबर। ओके। हेलो, मैं वाइजाक का एसीपी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। उत्तम कुमार का केस तुम्हारे पास है ना? जी जनाब, पर उसका नाम उत्तम कुमार नहीं है बल्कि कैप्टन सागर है। उसके ऐसे बहुत सारे नाम है पर असली नाम उत्तम कुमार है। अभी उसे कहाँ रखा हुआ है? गिरफ्तार करके जेल में डाला है सर। इसी वक्त उसे अलग जेल में डालो, फोन बंद करवा दो, कोई उससे बात ना कर पाए, और जल्दी अपना फैक्स ऑन करो। जी जी जनाब। रुको 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 रुको, सबसे पहले देखो कहीं वो भाग तो नहीं गया। क्विक। ओके सर। ये पकड़ो। ओए कोई फैक्स आया क्या? आ रहा है सर। जो भी है जल्दी लेकर आओ। ओके सर। ये लीजिए सर। वो ये क्या है? अभी और आ रहे हैं सर। तो जा लेकर आ। ओके सर। और बचे हैं क्या सर? पेपर खत्म हो गए। कितने सारे केस? जिले इलाही, घूंघट हटाइए। मेहरबानी करके लॉकअप में आराम फरमाइए। कप्तान सागर का समंदर से खजाना निकालने वाला मामला। कई राज्यों में भागे हुए उत्तम कुमार के कई नए केसेस उजागर हुए। उसे कलिंगपट्टनम में पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तम कुमार से सवाल किए जा रहे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उसे आज कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उत्तम कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी जांच चल रही है, तब तक इंतजार कीजिए। उत्तम कुमार, उत्तम कुमार, उत्तम कुमार। सत्यमेव जयते। नमस्ते सर। किस हस्ती ने तुम्हारा नाम उत्तम कुमार रखा है? सर वो मैं समाज का अच्छा नागरिक बनूं इसलिए माँ बाप ने रखा था सर। जाहिल समझता है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तकदीर वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें हिरासत में लेने की दरखास्त मंजूर कर दी गई है। अदालत अगले 2 दिन तक तुम्हारे वकील को तुमसे मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटे की मंजूरी देती है। अपने वकील से बात कर लो। ठीक है सर। अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को यह हुक्म देती है कि मुजरिम को जिस हालत में आपको दिया जा रहा है आप उसी हालत में उसे अदालत में पेश करें। चलो बताओ, तुम इस तरह लोगों को धोखा क्यों देते हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सर, लेकिन आपको बताई तो आप कहेंगे हर अपराधी ऐसी कहानी सुनाता है, इसीलिए वक्त क्यों बर्बाद करना है। मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए यह सब किया। ठीक है, तुमने सारा पैसा कहाँ छुपाया है? सर पैसे वो बचाता है जिसे डर हो कि कल वो पैसे कमा पाएगा या नहीं। मैंने सब खर्च कर दिए। तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? ठीक है सर, अब आप खड़े हो जाइए। तुमने बहुतों को लूटा है, इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? सर इस दुनिया में जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर। और ये पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा बड़ा है। इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत पड़ती है सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे धोखेबाज देखे हैं, पर तुम जैसा धोखेबाज नहीं। धोखेबाज मत कहिए सर, अच्छा आदमी हूँ मैं। तुम अच्छे आदमी हो? हाँ, अच्छा आदमी बुरा तब बनता है जब समाज उसे ऐसा करने पर मजबूर करे। अगर चाहे तो वही समाज एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है सर, और ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं सर। सर मैं आपसे एक बात कहूँ, इस समाज में नेक दिल गरीब आदमी और नेक दिल अमीर आदमी में बहुत फर्क है सर। मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करके चश्मा घड़ी पहन के अच्छा आदमी बन सकता हूँ, या सड़क के किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगा के भी अच्छा आदमी बन सकता हूँ। बड़ा ग्लास 30 रुपए, मीडियम ग्लास 20 रुपए और छोटा ग्लास 10 रुपए में बेच के। नेक दिल गरीब नहीं बनना है सर, मुझे तो नेक दिल वाला अमीर आदमी बनना है सर। इसमें गलत क्या है? जिन लोगों को तुमने धोखा दिया कभी उनके बारे में सोचा है? सर कपड़ों का गंदा होना और आदमी का धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है सर। मुर्गी के बिना चिकन बिरयानी का मजा कोई ले सकता है क्या? वैसे भी मैं किसी को धोखा देने गया नहीं सर, उसे धोखा खाने का मौका दिया जो मेरे पास आ गया। तुमने मौका दिया? मैं आपकी जगह होता तो ये केस रजिस्टर करता ही नहीं सर। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए जो किसान हमें खाना देता है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि उसे कभी कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब वही किसान बैंक में लोन लेने आता है तो हम ही लोग उसे रोज चक्कर कटवाते हैं। बड़े लोग भी आते हैं ना सूट पहन के लोन लेने के लिए, अपने बड़े बड़े बिजनेस और फैक्ट्री दिखाते हैं, फिर उसी बैंक को लूटते हैं जिसने उन्हें लोन दिया है। बताइए सर क्या ये धोखा नहीं है? ये धोखा नहीं है क्या? धोखा ही है। क्या आप उनके नाम पर केस कर सकते हो? उन पर केस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो दुनिया में धोखा देना और धोखा खाना एकदम नॉर्मल हो गया सर। ऐसे चलो चल। थर्ड डिग्री देने के बाद भी ये मुंह नहीं खोल रहा है। पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा है। अरे भाई, वो इतनी आसानी से जुबान नहीं खोलेगा, दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। इस बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं ये काम चुटकी बजाते कर सकता हूँ, फिर तोते की तरह बोलेगा। सच में काका जी? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे 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 अरे, क्या हालत कर दी है उन लोगों ने। उठ जा बेटा, आराम से, ये ले खाना खा ले। हाँ, खा ले खा ले। मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी है, आराम से खा ले। सुन बेटा, तूने रुपए कहाँ छुपाए हैं मुझे बता दे तो मैं कुछ करता हूँ। तुझे सजा नहीं मिलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, वादा करता हूँ। यकीन कर बेटा, यकीन कर। बता ना, मैं तेरी मदद करूंगा। जाबे ठुल्ले। क्या बका तू? जाबे ठुल्ले। तेरी तो, तुझे गाली देता है। ये ले, तू इसी के लायक। पूरा एक हफ्ता निकल गया। हाँ ना, बोलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, मैंने सब सुना, अब बताएगा वो। गुब्बारे की हवा निकाल दी इसने। सर क्या खबर है? उसने मुंह खोलाया नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन बोल नहीं रहा है सर। चलो बताओ, तुमने सारा पैसा कहाँ छुपाया है? नहीं बताओगे तो सारी जिंदगी यहीं सड़ोगे। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ। आप खुद मेरे लिए लंदन का फ्लाइट बुक करके मुझे यहाँ से भेजेंगे सर। बेवकूफ, पैसे का इतना लालच क्यों? हा? सर, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? क्या आप कभी भूख की वजह से तड़पे हैं? भूख से आने वाली परेशानियों का सामना किया है? ये दुनिया बहुत बुरी है सर। जब मैं 7 साल का था तो हैदराबाद की झोपड़पट्टी में रहता था। मेरा बाप बस्ती के पास डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। वहीं एक मंदिर में मेरी माँ फूल बेचती थी। जिस बैंक में मेरा बाप काम करता था वो दिवालिया हो गया। मीटिंग में इससे निकलने के लिए एक चाल चली गई जिसमें खातों में पैसे आते ही बैंक को वो बंद करने वाले थे। मेरे बाप ने यह सब सुन लिया। उसने उन्हें समझाया कि इतने मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। बोर्ड मेंबर्स ने गुस्से में आकर मेरे बाप को बैंक से निकाल दिया। लोगों ने जब स्कीम के बारे में सुना तो वहां पैसे जमा करने वालों की भीड़ लग गई। मेरे बाप ने लोगों को धोखा खाने से बचने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोगों में लालच इतना था कि वहां भगदड़ मच गई। मेरा बाप वहां फंस गया। मां ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो दोनों भीड़ के पैरों तले कुचले गए। मेरे बाप ने वहीं दम तोड़ दिया। मां को उन्होंने हॉस्पिटल में मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर ने आके कहा बिना पैसों के मेरी मां मर जाएगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। भगदड़ के लिए बैंक पर केस चला। एक वॉलंटियर सिस्टर ने मेरी माँ को केस से मिलने वाला मुआवजा दिलाने का वादा किया। वो मुझे पैसे लेने के लिए अपने साथ ले गई। उन्होंने किसी से मेरे बारे में बात की। लौटते वक्त उनके हाथ में एक सूटकेस था। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और लौटने का वादा करके चली गई। उस दिन पता चला कि किसी को धोखा देना क्या होता है। मेरी माँ चल बसी। मरते मरते भी ये सोचकर तड़प रही थी कि मेरा इस पूरी दुनिया में क्या होगा। शमशान के गार्ड ने मुझे रोते हुए देखा और मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि दुनिया ऐसी है, यहाँ किसी पे भरोसा मत करना, लेकिन धोखा देने वालों को कभी अपना दुश्मन भी मत समझना। हमेशा उन्हें गुरु की नजर से देखना। उसने पूछा मैं किस तरह जीना चाहता हूँ सर। अकेला था और बचपन में ही सड़क पर आ गया। ये पूरी दुनिया लालच पर चलती है सर। जहां देखो धोखाधड़ी, जालसाजी, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। उसी दिन ठान लिया कि अगर इस दुनिया में कुछ बनना है तो धोखा क्या, जरूरत पड़ी तो किसी की जान भी ले लूंगा। मेरी माँ की चिता के लिए मेरे पास 1000 रुपए नहीं थे सर। क्रियाकर्म के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। क्रियाकर्म के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। जनाब जनाब जनाब, चाय पी लीजिए सर। उसके बारे में सोच रहे हैं? वो एक नंबर का जाहिल है सर। जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तब धरती पर तबाही आती है, पर जब इंसान अपना होश खो देता है तो और भी बड़ा विनाश होता है। सर वो लोगों को बहुत मारते हैं, उस्ताद का ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम जाओ। अपने पंटरों को बोलना उनके लिए रोज चिकन बिरयानी लेकर आए। नंदू, अपने लॉयर है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ। सर इस मसले को जल्दी खत्म करवाओ ना। अरे चिंता मत करो यार, आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अरे मेरे बारे में बताया नहीं क्या? हाँ? सर 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 सर, मिनिस्टर की पीए आपसे बात करना चाहता है। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। सर एक बार बात तो कर लीजिए। मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। अरे वो बात नहीं है सर, बात करने में क्या हर्ज है? तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहना। ओके ओके, वहाँ कह देंगे। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो करो। ये रहा आपका बैग। अरे नंदू कैसा है भाई? अच्छा। बैठ। हेलो, सुनने में आया कि उत्तम कुमार को अरेस्ट किया। वो होम मिनिस्टर का बहुत ही खास है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके। तुम इस शख्स को जानते हो? सोलर पावर प्लांट के लिए ये मुझे 20 करोड़ का कर्ज दिलाएगा ये कह के इसने मुझसे 2 करोड़ रुपए ऐंठे हैं सर। यहाँ तो 4 करोड़ लिखा हुआ है। मेरे प्लांट के पावर को किसी अच्छी कंपनी के साथ सौदा कराएगा ये कह के इसने मुझसे 2 करोड़ और ऐंठे हैं सर। तुमने इस पे भरोसा कैसे किया? नोट पर साइन करने वाले गवर्नर इसके ससुर हैं ऐसा इसने मुझसे कहा। सर मैं तो इसे जानता तक नहीं। तुम बोलो। इसने मुझसे 3 करोड़ लिए थे और कहा था 100 गज का प्लॉट दिलवाता हूँ। मियाँ ये 100 गज के प्लॉट के लिए 3 करोड़ कौन देता है? अरे पृथ्वी पर नहीं सर, कहा था चांद पर दिलवाऊंगा। क्यों भाई, अब तुम चांद पर भी अपना हक जमाने लगे? सर ये क्या बोल रहे हैं? हाँ ऑब्जेक्ट, चांद पर 100 गज का प्लॉट। बैठ जाइए वकील साहब। योर ऑनर आगे बताइए। इसने कहा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर, वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है इसीलिए मैंने दिया सर। ऊपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो? हाँ तो आपके साथ कैसे दगा किया? लिलीपुट के नाम से। हाँ लिलीपुट? What लिलीपुट? What is? बैठ जाओ यार। आप बोलिए। इस अंगूठे के साइज का शख्स है सर। क्या? अंगूठे के साइज का शख्स? ताज्जुब तो मुझे भी हुआ था सर, फिर मैं धोखा खा गया। अरे आप यक्ष के बारे में जानते हैं मियाँ? आज भी बम्बू पर्वत पर उनकी गुफा है, वहाँ उनके पूर्वज भी हैं। 10 दिन पहले ऐसे ही एक आदमी वहाँ पर घूमने चला गया। जब वो अपना काम कर रहा था उसे लगा एक पौधा दूसरे पौधे पे कूद गया और फिर उस आदमी ने उस पौधे को दबोचा। मियां इंसान की किस्मत कब खुल जाए पता नहीं चलता। पता है वो क्या था? लिलीपुट। क्या? वो आदमी उसे ले गया और फ्रिज में रख दिया। वो आदमी लिलीपुट को 1 करोड़ में बेचने की कोशिश कर रहा है। पागल आदमी, उसे पता नहीं उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ का शख्स है। ऐसी झूठी कहानी बताकर मेरे साथ फरेब किया और उसके बाद ये शख्स आज दिखा है। बताइए। इसने गज़मुठ्ठू कहा था। लाखों हाथियों में सिर्फ एक के सिर पर वो खास निशान होता है, गज़मुठ्ठू, जिससे किसी भी लड़की को वश में किया जा सकता है। मुझे देखो, इस उम्र में भी। क्यों भाई, कब्र में जाते जाते भी तुम्हें लड़कियां चाहिए? बड़े वाहियात हो। शीकाकाई का पाउडर देने के लिए कहा था सर, ये मुझे रेडियम देने वाला था। This power spear will light up your entire house. इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम सबको पावर मिलेगा। ये सबसे महंगी जड़ी बूटी है, गरुड़ संजीवनी। आइए ऑब्जेक्ट। आप बैठे रहें। ओके। सिली कंप्लेंट। बैठे रहिए। साउथ जोन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला दूंगा। ऐसा ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगे। ब्लूबेरी डायमंड। लगता है आजकल बेवकूफ बनने का ट्रेंड चल रहा है। अदालत मुलतवी की जाती है। क्यों वकील? हाँ? केस हमारे हाथ में है ना। जज तो तुझे बात ही नहीं करने दे रहा। हाँ? तुम उसकी चिंता मत करो। अंदर जो चल रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। मामला बाहर निपटेगा, उस पर ध्यान लगाओ। पीपी सर। हाँ। मैं अभी आता हूँ। आज मेरे क्लाइंट के केस की आखिरी सुनवाई है तो आप थोड़ा। मैं आपकी बात को कभी टाल नहीं सकता हूँ। थैंक यू। ये सब तो ठीक है लेकिन आई विटनेस का? वो मैंने संभाल लिया है। 33, 68, 92 130, 168। थैंक यू। सबके मुंह नोटों से भर दिए हैं, अब कोई मुंह नहीं खोलेगा। अब देखना, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। भैरव स्वामी। रुको भाई, इस अदालत का माहौल देखकर मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिलने वाला है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए दूसरी अदालत है। चलो। छोड़ूंगा नहीं। हे बसवा, छोड़ दे मुझे। अबे सुन, तूने कहा तुझ पर यकीन करें, किया। तूने उस यकीन का फायदा उठाया, वो भी ठीक था। नुकसान होने पर तूने पैसे देने का वादा किया था, ये भी ठीक था। पर जब पैसे देने की बारी आई तब तू अदालत पहुंच गया। देख मेरी बात सुन, ये ठीक नहीं किया। आराम से बैठकर बात करते हैं। अच्छा नहीं लगा, पैसे से ईमान डगमगाता है। अच्छे अच्छों का ईमान बिक गया। पैसे देने का वादा किया था ना तूने, कब लौटाएगा पैसा? मैं हूल पट्टी दे रहा था, किसी की वजह से हमारे पैसे डूबे। अब कम से कम सुकून से दो निवाले खाऊं कि नहीं? हाँ, जाहिलों की तरह कुछ भी बक रहा था ये। चला बैठ के खाना खाते हैं। चले बंटी, भट्टी में डाल के पिघला दे। ठीक है, आजा भाई। उधर मत देखो, आगे चलो। ये भी ले भाई। भैरव स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। वो मुझे 4 साल पहले मिला था और अपनी ईमू स्कीम बताई थी। आप ईमू बर्ड्स पालने लगेंगे तो आपकी खेती भी अपने आप बढ़ जाएगी। ईमू से जो नाइट्रोजन मिलता है उससे खेत डबल रेट से उगेंगे। मेरे 500 करोड़ के बिजनेस में अब से आप मेरे पार्टनर हैं। पार्टनरशिप मुबारक हो। अरे भाई, इसका एक अंडा 1 लाख का है। हाँ भाई, 1 लाख रुपए में आराम से बिक जाता है। और ये जिंदा 70 लाख में आता है। अरे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने सुना है इसके तेल से ये दवाइयाँ बनाते हैं। अरे ऐसे अचार चाटने से अच्छा होगा जाकर उस ईमू बर्ड पे पैसे लगाओ, पैसे डबल होते हैं। सारा गांव लगा चुका है। जब देखो मेरे सर पर तांडव करती रहती है। चलो तो जल्दी करो, जल्दी करो, निकल जाएगा। नमस्ते सर। स्वामी, आप हमारे बारे में सोचते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। इस बार चुनाव में हम सब आपको जिताएंगे, आप खड़े हो जाइए बस। नमस्ते सर। आप लोग मेरे पीछे आ जाइए। ईमू बर्ड फार्म के मालिक भैरव स्वामी लोगों के लाखों रुपए लूट कर फरार हो चुके हैं। लाखों के अंडे और करोड़ों का पक्षी, लालच की वजह से जनता की उड़ गई नींद। मैंने तो पहले ही कहा था ये सब धोखा है। अरे जब लालच करोगे तो धोखा ही खाओगे ना। मैंने उस ईमू पर पैसा लगाने को कहा था, तुम्हें सारा का सारा पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? दिमाग में भूसा भरा है। डबल के चक्कर में सारा का सारा पैसा गवा दिया। अब यहाँ खाली बैठकर मेरा रास्ता रोक रहा है। कोई पंछी 1 करोड़ का तो हो ही नहीं सकता, ये तो अफवाह है यार। लालच की भी कोई हद होती है। मुझे पहले से ही पता था ये लोग फरेबी है। लोग भैरव स्वामी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें धोखा मिला है। जब से ईमू बर्ड के मालिक को अरेस्ट किया गया है तब से वो बिना देखरेख की वजह से बीमार पड़ गए हैं। आप कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरे पैसे दिला दो। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पुलिस से डरकर मैं अपना मुंह छिपाता फिर रहा हूँ। ऐसी हालत हो गई कि अपने बीवी बच्चों तक से नहीं मिल पा रहा हूँ। भाई ये बता, पुलिस में केस फाइल क्यों नहीं किया? केस तो फाइल किया था और अदालत में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे। सभी गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उत्तम कुमार को बाइज्जत बरी करती है। गुड मॉर्निंग सर। तो इसका मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए पैसा ही है? सर, ये पैसे ही डस्टर बनके मेरी सारी गलतियों को मिटा चुके हैं। जानते हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, दया आ रही है तुम पर। पता है क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा तैराक भी किसी नाले में तैर नहीं सकता। आज पैसों के पीछे भाग रहे हो ना? देखना एक दिन यही पैसा तुम्हें ले डूबेगा। मुझे बद्दुआ दे रहे हैं? नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। सर, आपको एक सच्चाई बताऊं? पैसा हमें धोखा नहीं देता, हम पैसों को धोखा देते हैं। वो क्या है ना, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। हाथ तो मिलाइए सर। थैंक यू सर, चलता हूं, ख्याल रखिएगा। यू टेक केयर। उत्तम वकील साहब, लव यू। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। अब तो खुला आसमान है, उड़ जाओ। गुरु भाई, अरे भाई, आजादी मुबारक हो। अच्छा तुम वहाँ पर जरा खड़े रहो, मैं अपना काम पटा के आता हूँ। और नंदू लाइन पर है, उससे बात करो ना। नंदू, वेलकम गुरु। वन पीस में जेल से बाहर निकला हूँ। आप तो कमाल है गुरु। अब करेंगे नई शुरुआत, क्लीन स्वीप। सुना है गुजरात बड़ा चमक रहा है, अगला प्लान वहीं बनाते हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता गुरु। कौन है तू? कौन है तू? क्यों लाया मुझे यहाँ? इधर ये खोल। चिल्लाना बंद कर, नहीं तो हालत ही निकालूंगा। जरा रुक रे, ठहर के क्या करूं? थोड़ा खर्चा पानी दे और तबीयत से दे, जब तक सब कुछ उगले नहीं। बोल, रोकड़ा कहाँ है बता। ए, चल अब तेरी बारी। शाणे बोल, पैसे कहाँ हैं? चल बता, बता। जबान को लकवा मारा है क्या? लकवा मारा है क्या? लकवा मारा है क्या? ए, हट तू, मारा बोल बे, बोल। मुंह खोल, बोलता है कि नहीं? अच्छे अच्छों का मुंह खोला है मैंने। बोले तो खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। ना इसको आगे, इसकी खोपड़ी खांचे में फिट करो। ये क्या लगा, पुलिस की तरह टॉर्चर करके छोड़ दूंगा? तू क्या, तेरा बाप भी सब कुछ उगलेगा। अगर तू मर भी गया ना तो तेरी रूह से भी सब उगलवाऊंगा। बोल, बोल, बता। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। देखा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। भाई, फोन थ्रू बज रहा है इसका। स्पीकर चालू कर और उसके कान में घुसा। उस्ताद, आपका फोन अचानक से कट गया। आप हैं कहाँ? एक घंटे से हम आपको कोर्ट में ढूंढ रहे हैं। ए नंदू, मुझे भैरव स्वामी और उसके गुंडों ने किडनैप कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं? इनका पैसा वापस देना है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, पैसा आपसे कीमती थोड़ी ना है। पर ये तो बताइए कि आपने पैसे छुपाए कहाँ हैं? मैं बताता हूँ, तू जाकर लेकर आ। ठीक है उस्ताद। भैरव स्वामी, तू और प्रकाश दोनों साथ में नोट लेने जाओ और वहां से सीधे आओ इधर। भाई भैरव स्वामी। हाँ बोल भाई, आपकी बताई जगह पे हम काफी देर से खड़े हैं, ना तो वो लोग आए ना ही पैसा। क्या पैसों का लेन देन है, रुक जरा सबर कर। ठीक है भाई। बोला ठीक है भाई। भाई इसका फोन थ्रू वापस बज रहा है। तेरे स्पीकर ऑन कर। सॉरी उस्ताद, थोड़ा वक्त लग गया। खून पसीना बहा के ये पैसा कमाया था ना, तो सोचा ये पैसा लेकर अफू चक्कर हो जाए, पर जमीर ने कहा उस्ताद को लूट कर भागना बहुत बड़ा गुनाह है। ए नंदू, फिर दिमाग में ये ख्याल आया कि उस्ताद की नसीहत थी, जो काम खुद को गलत ना लगे वो गलत नहीं। मजाक का वक्त नहीं। सिग्नल भी हरा हो गया। सिग्नल तू तो मेरी बात सुन। गुरु आप ही ने कहा है ना, अगर कोई इंसान तुम्हें धोखा देता है तो उस इंसान को तुम दुश्मन मत समझो, बल्कि वो असल में तुम्हारा गुरु होता है ना। आप ही ने तो सिखाया है। नंदू आज तक आप हमारे उस्ताद थे ना, लेकिन अब हम आपके गुरु हैं। नंदू ऐसा मत कर नंदू। उन्हें फिर से फोन कीजिए, उन्हें फिर से फोन कीजिए। तेरे जैसे और कितनों को ठोकना पड़ेगा। उन्हें फिर से फोन लगाना। देखो तेरे साथ ये कौन सी गेम खेल रहा है बे? तेरी तो और तेरे को बख्शूंगा नहीं मैं। एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ भाई? लगता है उसके दोस्त सारा पैसा लेकर भाग गए। भाई ने वापस बुलाया। चल चल जल्दी गाड़ी चालू कर। आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई? ए तेरे को बोला ना सबर से रहे। मुझे मत रखो, इसने मैं फिर से धोखा दिया है। ए, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ए भाई के खिलाफ जाएगा तू। दादा मेरी बात सुनो, दादा एक बार मेरी बात तो सुनो। जो भी बकना है चलते बात। उस भैरव स्वामी को संभाल लीजिए। अपने अगले 100 करोड़ वाले स्कैम में से आपको 50 करोड़ दूंगा, मेरा यकीन करो। तूने ही बोला था ना उसे संभालने के लिए। ले उसको ऊपर से चेंज काट डाला। अगर मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की तो जहन्नुम से भी ढूंढ के ठोक डालूंगा। बड़े से बड़ा तैराक भी किसी नाले में नहीं तैर सकता। पैसों के पीछे भागना बंद करो। देख के लगता नहीं इतने लोगों को ठगा इसने। अबे ये अपनी माँ के पेट से सीख गया है। मेरे को यकीन नहीं है। इसमें कुछ खास कला नहीं है भाई, हमसे बेहतर है क्या? सुन, वहाँ बस स्टॉप पर जो आदमी खड़ा है उसे धोखा देकर उससे 100 रुपए लेके। ओए बंटी कार रोक। 100 क्या 200 ले आऊंगा। देखता जा 2 मिनट में ले आऊंगा, 2 मिनट में। भैया जी हम बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ। 500 रुपया था बटुआ में, 2 दिन में वापस कर देंगे। बस 200 रुपया चाहिए, दीजिए ना। तेरे जैसे लोगों से रोज पाला पड़ता है। चल दफा हो जा। अच्छे घर के हो, भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? तूने जाकर उससे बटुआ खोने के बहाने 200 रुपए मांगे होंगे। मिले क्या? नहीं मिले। मना कर दिया उसने। ये तेरे हाथ में क्या है? घड़ी। कितने की है? ओनली 150। जैसा कहता हूँ वैसा कर। भैया जी ये घड़ी देखिए, सिंगापुर से लाया था, पूरे 5000 की है। इम्पोर्टेड है भाई साहब। 5000 की घड़ी 500 में दे सकता हूँ। घर पहुँच के जब पैसे भेजूंगा तब मुझे वापस दे दीजिएगा। लीजिए ना। मैं इसके सिर्फ 400 ही दूंगा। दीजिए ना। सही है भाई। 150 का 400 हो गया। ये लो। ये कैसे कर लेते हो यार? देखो इसका एक सिंपल फंडा है, अगर किसी को लूटना है तो दया की उम्मीद मत रखो, उसे लालच दो। क्या गजब दिमाग है, बहुत अच्छे, एकदम सही है। अच्छा चल रहा है। चल आप जल्दी बताओ, हम 100 खोके कैसे कमाएंगे? 100 करोड़ कमाने के लिए 3 करोड़ की जरूरत है। और 3 खोके कमाने के लिए? उसके लिए 20 लाख चाहिए। अच्छा, 20 पेटी कमाने के लिए क्या करना है? आप सोना खरीदने का बहाना ढूंढ रहे हैं? अक्षय तृतीया पे कैसा बहाना? सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वैष्णवी ज्वेलर्स पर आ जाइए। ये दुकान कहाँ है? तिलक नगर का किनारा। पैसे लेकर आ जाना, सोना ले जाना। आप कार्ड भी स्वाइप कर सकते हैं। यहाँ से कितनी दूर है? 12 किलोमीटर। चलो चलते हैं। क्या रे, अब क्या हम दुकान लूटने जा रहे हैं? दादा, पैसे कमाने के लिए किसी को लूटने या मारने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बहुत से रास्ते हैं जिससे कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको उसका डेमो दिखाऊंगा। दादा, दुकान के अंदर जाओ, ऐसे दिखाना जैसे दुकान खरीदोगे। उनका विजिटिंग कार्ड लेकर आना। जाओ। किट्टू, नमस्ते भैया। नमस्ते। ये पेन पेपर देना, ये मैटर छाप दो। जी भैया। सही है। देखिए, काकीनाथ के आसपास के गांव में बांट दे। पर क्यों? ला पैसे दे, जो बोल रहा हूँ वो करना है। वैष्णवी ज्वेलर्स में इस अक्षय तृतीया पर सोना मिलेगा आधी कीमत पर। ये सब क्या है रे? दादा आप टेंशन मत लो, सोना आधी कीमत पर मिलेगा ये पढ़ते ही लालची लोगों की लाइन लग जाए। हाँ? दो ओमनी वैन बुक करो। सेट का नंबर। गंदी गालियां किसे आती है? मुझे आती है भाई। मैं कई तरह की गालियां मैं देता हूं। अरे मैं कह रहा हूं ना, आगे क्या करना है? सेट के मजे लेने के लिए उसे फोन करना। बोलो। शुरू हो जा। अबे मुने पकड़े कौन बोल रहा है? तो बड़े वाले सीट। अरे है कौन तू? अपना नाम तो बता। कौन चेक जाना है? डर गया। One more time. हेलो। अबे क्या अरे कौन है तू? नाम क्यों नहीं बताता? मैं अभी इस आफत को ऑफ कर दिया। फिर से डर गया। स्विच ऑफ। बस वाह, शुरू कर। अरे शराब चीज ऐसी है कि न चोरी ना बोल रही है। तेरे को क्या लग रहा है? यहाँ पे बाहर है, तू यहाँ पे बैठ के पीने लगा है। चलो। ए दो बूंद जिंदगी के पी रहा हूँ। अरे क्या पागलपन है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? गोली कोटा का मल्लेश हूँ। चल भाग। अरे तू तो अपन के गाँव का निकला यार। तू मेरे गाँव का है? और क्या भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं है। अरे तुम्हारे कोई तो ढूंढते ढूंढते आओ, बैठो इधर। ठीक है बैठो। वैसे कोई देख तो नहीं रहा है? ऊपर वाला सब देख। ठीक है, बना बना पैक बना। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं अपन, पी रहे हैं ना। पैक बनाता हूँ तुम्हारा। लेकिन तू कुछ भी बोल, मुफ्त की दारू तो अपने लोग ही पिलाते। एकदम करेक्ट। कैसी गई? सेठ हो या उसका नौकर, रात में गेट बंद करके सभी लोग पीते। बना अब छोटा। अरे पी के तू वहाँ जाके लेटा। आने दो। अपन ने बहुतों को पिलाया, आज तू भी पी ले जी। पीते रहे, पूरा बोतल खत्म कर दे। क्या ये खंबा तेरे नाम पे खास दुबई से इम्पोर्ट किया है क्या? अरे तेरी मोहब्बत में वेस्ट नहीं कर। वाह मजा आ गया। पी पी बस, अभी बहुत हो गया। चलो। मैं गोली घोड़ा का मल्लेश हूँ। अटेंशन। आप लोगों की तारीफ, किसी ने एस ज्वेलर्स से गाड़ी बुक की थी। ओह अच्छा, आप ही लोग हैं। जमाना बीत गया इंतजार करते करते। अरे छोड़ दे। दादा ऑल ओके? ओके। बंडा सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। बंटी क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसा कहता हूँ वैसा कर। मुझे तो लगा सिर्फ मुझे ये पर्चे मिले हैं जिस पर लिखा है कि आधे दाम पर सोना मिलेगा। वही दुकान है, चलो शुक्रिया। यही है वैष्णवी ज्वेलर्स, यही है। चलिए चलिए आइए, स्टॉक खत्म होने वाला है सोने का, जल्दी आइए। भाई बहुत ज्यादा हो रही है, आप उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिलेगा टोकन, मिलेगा पहले। आराम से, बहुत सोना है, बहुत सोना है। सबको मिलेगा, थोड़ा सब्र करो। उसी को पहले मिलेगा। दो लाइन लगाओ सब लोग, लाइन लगाओ। चलो चलो वहाँ से लाइन लगाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी। दो लाइन नहीं, एक ही लाइन, एक ही लाइन। लाइन लाइन में आओ, चलो। आराम से आराम से, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा सोना। धीरे से भी कीमती है, मिलेगा मिलेगा। मेरे अबे मेरा नंबर है, अरे लाइन में खड़ा है, पीछे कर उसको। अरे मिलेगा टोकन, घाई नहीं करने का। हेलो बसवा। हाँ बोलना भाई। पुलिस आ रही है, उन्हें देखकर भागना मत, जैसा कहता हूँ वैसा कर। ओके हाँ ठीक है। अरे यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? आ जाइए, चलो लाइन में। लाइन में ओ अंकल, क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे भैरे क्या चल रहा है यहाँ? लाइन में चल। हाँ ठीक है ठीक है, चल चल लाइन में। कौन हो तुम? हाँ वैष्णवी ज्वेलर्स का सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं क्या करूँ? और यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? अरे साहब कल अक्षय तृतीया है, इसीलिए हमारे साहब ने ऑफर दिया है, 50% डिस्काउंट है। क्या कहा? वैष्णवी ज्वेलर्स वाले अक्षय तृतीया को सोना आधे दाम में दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? और अगर यहाँ रात को इतनी भीड़ जमा होगी और कोई लफड़ा हो गया तो पब्लिक न्यूसेंस का केस हो सकता है। पुलिस का परमिशन तुम्हारे सेठ ने लिया था क्या? हाँ देखो नियम आखिर नियम ही होता है, नियम। सही बोला सर, सही बोला। हाँ या सर, ये लीजिए ना। मैं बहुत देर से हूँ। सही कहा तुमने। अच्छा सुनो, वैसे 10 टोकन पुलिस स्टेशन में भी भेज देना। सिर्फ 10? अरे 20 दिलवाता हूँ ना। 20? तुम्हारा सेट बहुत कृपालु है। अब देखो मेरा पावर। कॉन्स्टेबल सर, लाइन 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 लाइन। चलो भाई चलो 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 चलो। सेट बहुत अच्छा आदमी है ना। अबे पागल है, काले का सफेद कर रहा है ये। आजा चाय 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 चाय, गरमा गरम चाय। अरे आंटी अदरक वाली चाय बाद में पीना, पहले टोकन ले लो। ए आगे कहाँ घुस रहा है तू? चल पीछे। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ आधे दाम में सोना मिल रहा है, पता नहीं है क्या? चल पीछे जा। सेठ जी ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। मोबाइल क्यों ऑफ है? हेलो, अरे सेठ जी किट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। यहाँ आपकी दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या? अभी आया मैं। गाड़ी निकाल ड्राइवर। हाँ बोल बंटी। भाई सेठ घर से निकल चुका है, तू वहाँ से निकल और बाईपास रोड पर मिल। बेहतर भाई। बस बस सुन। हाँ बोल, टोकन खत्म हो गया और निकल। अरे भाई टोकन लॉट में पड़े ले। जो बोल रहा हूँ वो कर, ठीक है? सर क्या हुआ भाई? टोकन संपला सर। इतनी जल्दी? अभी तो काफी सारे लोग खड़े हैं। प्रिंट हो गया, लेके आना है तो जाओ ना। अरे ये जाने नहीं दे रहे, टोकन का रास्ता जाम करके रखे हैं। भाई हट जाओ हट जाओ, वैन को रास्ता दो। टोकन खत्म हो गए, चलो टोकन लेके आओ। चलो 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 हटो भाई, सेठ जी आ गए। रास्ता दो रास्ता दो। सेठ जी देखिए कितने सारे लोग आए हैं, सोना आधे दाम में जो मिल रहा है। अरे आधे दाम में सोना कौन दे रहा है? आप ही ने तो आधे दाम में सोना वाले पर्चे बंटवाए हैं। पर्चे किसने बंटवाए? मैंने तो नहीं बंटवाए। किसने बंटवाए? ये मेरे साथ धोखा हो रहा है। किसने बंटवाए पर्चे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाने दूंगा। चलो दो यहां से। चल चल गाड़ी स्टार्ट कर। अरे एक नंबर काम किया है, एक नंबर। मलेश मलेश, अरे उठ। कोई तो गोले गोड़ा का मलेश बोला। सब 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 अरे क्या बात है, लॉटरी लग गई। इन रुपयों से सोना खरीदूंगा। भाई तूने तो सच में आग लगा डाली। वाह वाह, यार लोमड़ी का दिमाग पाया है। फुल टू झकास। अरे ये क्या बोलते उसको? चिकना लेना छोटे। तूने तो आग लगा डाली। सुनो, आज से ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई भाई उल्टी कर दूंगा। अगर मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की तो जहन्नुम से भी ढूंढ के ठोक डालूंगा। सफेद कपड़े क्यों? किसी की मैयत में जा रहे हैं क्या? दादा, इस देश में जो सफेद पहनता है वो शरीफ होता है। लाख टके की बात है भाई। क्या बात क्या है भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हो। लोमड़ी के दिमाग में जरूर कुछ बन रहा है। बनाया तो है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये पार्टी मुझे पहचान सकती है। पार्टी का नाम जुबान पे लाओ भाई, बाकी हम संभाल लेंगे। और क्या। तो हमारा टारगेट धना शेट्टी नाम का एक व्यापारी है। मनी, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट सर। इस जग में उसी को सलाम किया जाता है जिसके पास दौलत। वाह वाह, जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही ज्यादा इज्जत। बहुत ही खास पीस है शेट्टी साहब, 4 किलो का होगा करीब। हाँ। हमें सिर्फ 10 लाख लगाने। हाँ, और उसके बदले 20 करोड़ की कमाई। अच्छा ऐसा। हाँ, इन्हीं पैसों से आपके अकाउंट का ग्राफ आसमान को छुएगा शेट्टी साहब। क्या हुआ, इतना झिझक क्यों रहे हैं आप? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। 16 आने सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही समय पर आए। मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, मैं उन्हें ये सांप वाली बात बताकर सौदा पक्का करता हूँ। इसे सांप मत कहिए। नहीं तो? इजाजत हो तो एक अच्छा सा नाम रख दे। हाँ आप ही नामकरण कर दीजिए। जैकी चैन। हाँ जैकी चैन नाम कैसा रहेगा? वाह क्या नाम है। अब आप कल सुबह 10 बजे वापस आइए, हम सौदा कर लेंगे। हेलो राधे राधे। नमस्कार जी। आप वक्त के पाबंद हैं। नमस्ते, नमस्ते। मिलिए मेरे पार्टनर से, यही दोनों हैं। अच्छा इनसे मिलिए, ये हैं क्राइम ब्रांच के हेड रमेश और ये हैं सुरेश। आप ठीक है ना? राधे राधे। आपने कल कहानी सुनाई थी ना जैकी चैन, इन्हें भी सुनाइए ना, ये भी सुनने के लिए आए हैं। भागेगा भागेगा। आप वाली कहानी सुना, 10 लाख देता हूँ। सुना, मुझे झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ बनाया तुमने। रुक जाओ शेट्टी साहब, ये अब हमारे कब्जे में है, ये कहीं बचकर नहीं जा सकते। इनकी चमड़ी उधेड़कर एक एक पाई निकालेंगे। तो आपने धर लिया सर, लेकिन इन सब के पीछे एक और शातिर आदमी भी है। वो ब्रूसली लेकर आया, ये जैकी चैन लेकर आया। जहर निकाल दो इनका। दादा, इस देश में जो सफेद पहनता है वो शरीफ होता है। हेलो, अरे भाई मैंने पापा को बिना बताए 25% ब्याज पे खरीदा है। तुझे भरोसा नहीं है क्या? हाँ 25 लोग ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक मुझे। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओए तू गोल्डवे वाला आकाश है ना? बोल तू वही है ना? सच बता तू वही है ना? तूने ही हमारे पैसे खाए हैं। अरे वही है जिसने हमारे पैसे खाए हैं, बैठा है। मुझे क्यों रोक रहे हैं? उसको पकड़ो, वो भाग रहा है। क्या कर रहे हो? भाग रहा है वो। क्या कर रहे हो? क्या नहीं, उसको पकड़ो। देखना एक दिन यही पैसा तुम्हें ले डूबेगा। तुम्हारे बेटे और बहू सब काम करते हैं, तो तुम्हें इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत? पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बेटा मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम टीवी में तो काम नहीं करते। ये लो खा लो। जिसने आपको चूना लगाया था वो यहीं बैठा है। ए, कहाँ है वो? वो वहाँ है। ए, चलो खड़ा हो, खड़ा हो, चल, चल। पैसा निकाल, पैसा दे हमारे, नहीं तो जान से मार देंगे। बड़ा भाई, और फटके दिए तो इसकी जान चली जाएगी। देखिए ना इसकी हालत। ये अपने कर्मों से मरेगा। कितने लोगों का घर तबाह किया इसने, लोगों की हाय से ही मरेगा ये। संभल के, थोड़ा आराम से चलो बच्चों। चलो चलो। जल्दी। सर! सर! नहीं नहीं, तुम लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते अवनी तुम्हारा ध्यान रखेगी। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है दीदी। सिकंदर ने दुनिया जीतने के बाद अपनी मौत से पहले 3 शर्तें रखी थीं। पहली ये कि जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था वही उनका ताबूत ले जाए। दूसरी ये कि जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था वो सारा ताबूत पे उड़ाया जाए। और तीसरी और सबसे खास ये थी कि ताबूत में 2 छेद करके उसके दोनों खाली हाथ बाहर लटकाए जाएं, ताकि इससे लोगों को पता चले कि आखिर में इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। आपने सड़क से उठाकर मुझे यहाँ लाकर मेरा इलाज करवाया, आपका आभारी हूँ। दुनिया में जो कोई अच्छा काम करता है उसके साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। मैं चलता हूँ सर, अपना ख्याल रखना। सर मैं उन्हें छोड़कर आती हूँ। अवनी, इस माहौल ने मेरे अंदर कुछ बदलाव किए हैं। मैं समझ गया हूं कि मैं कितना गलत था, लेकिन समझ नहीं आ रहा यहां से कहां जाऊं और क्या करूं। मैं नई शुरुआत करना चाहता। अवनी, जब तुम मेरे साथ होती हो लगता है मेरी माँ मेरे साथ है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मुझसे शादी करोगी? बस एक कमी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम नहाएंगे कहाँ? क्या हुआ? सच में? अम्बरी रुको, क्या कर रही हो? बच्चा पूरी तरह से ठीक है अपनी, लेकिन तुम कमजोर लग रही हो। इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इसके खाने का ख्याल रखो। मैं कितना कहता हूँ पर ढंग से खाती नहीं है डॉक्टर। बहुत जिद्दी है, मेरी सुनती नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है, 2 हफ्तों बाद डिलीवरी हो सकती है। तुम इसके साथ ही रहना और इसकी केयर करना। ओके डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर। टेक केयर। मैं तुमसे कितनी बार कहता हूँ, डॉक्टर ने भी वही कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? चिकमंगलुर जाओगे? चिकमंगलुर, चिकमंगलुर, जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। मैं रोक। भाई वो यहीं पर है। भाई भाई वो वहां रहता है। इसको इसकी जरूरत कैसे हुई हमें दगा देने की? मारो इसे। मुझे दादा, दादा एक बार मेरी बात तो। दादा पुलिस बिल्डिंग लगा के हमें अरेस्ट करवाया और इधर बिल में घुस गया। पहले मेरी बात तो सुनिए। क्या लगा हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? दादा छोड़ो मुझे, खत्म कर दो इसे। खत्म कर दो नमक हराम को। सुधरेगा नहीं दुआ। दादा चिकमंगलुर की कॉफी पीजिए, मेरा नाम याद रखेंगे। कौन है वहाँ? अवनी तुम बाहर क्यों आई? मैंने कहा था ना आराम करो। झगड़े की आवाज आ रही थी। अच्छा वो दोस्त, मेरे दोस्त आए। तुम जाओ मैं आता हूँ। ठीक है। दादा 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 प्लीज। क्या बैकग्राउंड जानते हुए भी मुझसे चीटिंग करने की हिमाकत की? उस दिन बोला था तेरे को, अगर मुझसे चीटिंग किया ना तो जहन्नुम से भी निकाल के मारूंगा। नहीं नहीं दादा दादा नहीं। ए बसवा। हाँ भाई जाके जरा इसकी बीवी से तो मेल। जो हुकुम भाई। नहीं नहीं सुन सुन बसवा, रुक रुक। दादा 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 प्लीज। दादा दादा रोको उसे। दादा प्लीज, दादा रोको ना उसे। दादा 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 नहीं, दादा 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 रोको ना उसे। दादा 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 मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास 100 करोड़ बनाने का प्लान है। लेकिन दादा रोको उसे। दादा प्लीज प्लीज एक बार मुझ पे यकीन कर लो। दादा रोको उसे, रोको उसे प्लीज। दादा प्लीज। हाँ भाई रुक जा। दादा दादा कौन है ये लोग? कहाँ जा रहे हैं आप? फिर से वही काम शुरू कर दिया। बस एक आखिरी काम बचाया आपने, उसे करके आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। इस बार मुझे छोड़कर मत जाइए। जल्दी आ भाई, देर हो रही है। मैं जल्दी वापस आऊंगा, मेरा यकीन करो। मत जाइए। चल बेटा, चलना बसवा, जाके भाभी का ख्याल रख। नहीं दादा, दादा नहीं से यहाँ बसवा, नहीं नहीं है, छोटे भाई की जोरू है। बसवा बताने की जरूरत नहीं है उसको यहाँ क्यों छोड़ा है। इस बार कोई शानपति किया तो जच्चा बच्चा दोनों खत्म। मैं आऊंगा। बसवा है ना, भाभी का ख्याल रखने के लिए काम करके बाद में मिल लेना उससे। यार तू ये छुपी हुई जगह का इजाद कैसे करता है? एक रेव पार्टी के बाद ये रिजॉर्ट बंद पड़ा है, मैंने अखबार में पढ़ा। यहाँ रहेंगे तो किसी को शक नहीं होगा, यहीं प्लान बनाएंगे। हाँ भाई, इस पर एकदम चील की नजर से ध्यान रखना। बेहतर भाई। अवनी, अवनी तुम ठीक तो हो ना? बात तो करो अवनी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं जल्दी वापस आऊंगा अवनी, तुम वक्त पर दवाइयां ले लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे हॉस्पिटल चले जाना। अरे अंदर बैठ के क्या झक मार रहा है? अवनी मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हेलो सुनिए सुनिए, आपके लिए फोन। ए भाई पैसे निकाल। जितना तूने बोला था उतना। अभी अपना प्लान बता। राइस पुलिंग। राइस पुलिंग मतलब उस चीज का यकीन दिलाना जो है ही नहीं। हम लोगों में विश्वास पैदा करेंगे और जब फसल आएगी तो आधी आधी बांट लेंगे। समझा? समझ गया ना? नहीं समझा, अपना काम करना। चलो अच्छा है, तू समझ जाता तो प्लान बदलना पड़ता। तेरी तो बताऊं तुझे अभी? रुक जा, चल आगे बता। खाना खा के सोते हैं, सुबह मंदिर जाना है। मंदिर जाके क्या करेगा? भजन गाएगा क्या? असली काम मंदिर में ही है। जाके सो जा। भैया आप ये ढूंढ रहे थे क्या? ये बंडा, आगे 3 लोग खड़े हैं ना, वहां गाड़ी रोक। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार साहब। मुझे मंदिर में क्यों लाया? मंदिर 600 साल पुराना है दादा। युद्ध पे जाने से पहले मौर्य और चालुक्य यहाँ पूजा करते थे। ऊपर गोपुरा कलश देख रहे हो? आज रात हम उसे चुराने वाले हैं। वो 3 लोग जो हमारे साथ हैं वो ये काम करें। रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे नकाराय नमो शिवाय मंदाकिनी सलिल चंद्र चर्चियाय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय। भाई को बुलाओ। दिखाओ। अपना फोन देना, फोटो प्रिंट कर दो। 1 लाख रुपए दो। ये लो 1 लाख रुपए। ठीक है भाई। इसे तोड़ दो और तोड़ के मार्केट में स्क्रैप में बेच देना। जाओ। हो जाएगा भाई। ठीक है, निकलो। ए, क्या बोला तूने इसको? मैंने कहा इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे स्क्रैप में बेच दो। ए, भेजा घूम गया है क्या तेरा? इसको फिर मंदिर में ही रहने देता। इन लोगों को पैसे खाई के दिए इसको भंगार में बेचने के लिए। भेजा जगह पे है कि नहीं? मैं कल बताता हूँ। अरे भैया, भैया इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 600 साल पुराना प्रमुख शिव तीर्थ क्षेत्र कम्बलेश्वरम शिव मंदिर के ऊपर का कलश चोरी हो गया है। दादा, इनसे कहो शहर जाकर उनकी जानकारी लाए जिन्होंने अपने सबसे ज्यादा पोस्टर लगवाए। जिस आदमी के सबसे ज्यादा पोस्टर होंगे वही हमारा अगला शिकार होगा। ग्रेनाइट का सबसे बड़ा व्यापारी है ये मंजूनाथ। 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है इसके पास। सोने की मूर्तियों से घर सजा हुआ है। ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। सुबह होते ही मंदिर और उसके बाद ऑफिस और ऑफिस के बाद होटल। वो सिर्फ उनसे मिलता है जिन पर विश्वास हो। सरकार ने कुछ दिन पहले ही उसकी एक खदान बंद कर दी। साथ ही उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। उसके जायदाद को लेकर पूरा परिवार लड़ता रहता है। इसे लेकर वो अभी बहुत परेशान है। पता करो ये मंजूनाथ के सबसे करीबी लोग कौन है। हम पर जरा सा भी शक नहीं आना चाहिए। उग्रप्पा गौड़ा इस धंधे में मंजूनाथ का राइट हैंड है। वो मंजूनाथ के सारे 2 नंबर के धंधे में शामिल है। मंजूनाथ के सारे एक्वा बिजनेस उसी के नाम से चलते हैं। मंजूनाथ के सारे बड़े बड़े मसले वही सुलझाता है। उग्रप्पा गौड़ा का असली धंधा रियल एस्टेट का है। अम्बरीश सीआई मंजूनाथ का सबसे खास प्यादा। तनख्वाह पुलिस से लेता है पर पैसों का भूखा है और वो पैसों के लिए किसी का भी हो सकता है। वो एक ज्योतिष भी है, नाम है वेद शनमुगम। वफादारी में नंबर 1। पैसों की हवस नहीं है उसे। मंजूनाथ उसके अलावा किसी पर यकीन नहीं करता। उसकी सलाह के बिना वो कुछ भी नहीं करता। मंजूनाथ इन तीनों से लगभग हर रोज बात करता है। तो पहले इन तीनों को फंसाना होगा। कैसे? कैसे हो गुरु? और उत्तम, सब ठीक है? ठीक हो। वेलकम। शुक्रिया। बहुत नाम सुना आपका। मंजूनाथ तक हम सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उसके आदमी को फंसाना होगा। ये उग्रप्पा है और इसका असली धंधा रियल एस्टेट है। उग्रप्पा गौड़ा, मैंने ही फोन पर आपसे बात की थी। यही वो जमीन है। इस तरफ 50 एकड़ है और उस तरफ 50 एकड़ है। टुकड़े देखने नहीं आया हो? एक सिंगल फ्रेम में दिखाओ जो पूरे 200 एकड़ का हो, समझे? जरूर दिखाऊंगा। हेलो, आरपी के लिए पाटिल से मुलाकात की और पैसे की भी बात हो गई है। 1 शॉट पेमेंट 100 करोड़ रुपया। बजट पे कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना? जैसा आपने कहा था, यह है 200 एकड़ का टुकड़ा सर। इस पर तो बहुत से केसेस होंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपनी जेब में है सर। ईमानदारी की जरूरत है। मैं रूल्स के साथ चलता हूँ। एक एनआरआई का 250 एकड़ का टुकड़ा है। चलो दिखाओ मुझे। हाँ मेरे भाई, कैसे हो? अच्छा सुन, एक काम कर, अपने कमीशन के 20 करोड़ निकाल ले और 130 करोड़ रुपए मेरे घर पे भेज दे। समझ गया ना? चल, रखता हूँ। यही वो जमीन है सर। वो तो ठीक है, लेकिन शहर बहुत दूर है यहाँ से। शहर के पास की जमीन दिखाओ। पैसे ज्यादा लगेंगे तो भी चलेगा। हाँ सुनो, मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। एक तो आरपी को देखना मुश्किल और ऊपर से उसका भाव ताव करना तो और भी मुश्किल। देखो भाई, एक बात को तुम लोग कितनी बार दोहराओगे यार। सुनो, उनको पता नहीं कि आरपी क्या चीज है, बहुत ताकतवर है, कान में डाल देना उनके। सर, आप बार बार आरपी के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे वो कौन है सर? आरपी बोले तो राइस पुलिंग, और जो कोई उसके साथ हो गया उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसकी सारी तकलीफें खत्म, वो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे आसमानों को छूने लग जाते हैं। सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप सच कह रहे हैं? मेरा असली धंधा ही आरपी है और उसी से मैं बहुत से पैसे कमाता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई पार्टी हो तो मुझे बताना। एक ही बार के पेमेंट में 10 करोड़ रुपए कमीशन, समझ गए? सिंगल पेमेंट में 10 करोड़? ये किताब ज्योतिष के हाथ में पहुंचनी चाहिए। अरे 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 क्या हुआ? अरे लगी तो नहीं ना? ये धन्यवाद बेटा। इस कलश के दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जल्द ही मिनिस्टर से मुलाकात करूंगा। खदान के कागजात तैयार रखना, साथ में 50 खोखा रोकड़ा तैयार। नमस्ते। आरपी यानी वही जो मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश होता है, राइस को अपनी ओर खींचता है। वेरी पावरफुल। मैंने भी उसके बारे में सुना है। उग्रप्पा, उग्रप्पा क्या बात है? आरपी के लिए एक पार्टी तुमसे कल मिलना चाहती है। उनका गेस्ट हाउस ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो अटक गया, कल गेस्ट हाउस में बुलाया है। गौड़ा तो समझे वाली बात है, लेकिन पुलिस का क्या? अगला प्लान क्या है? हाय हाय, हम कुबेर गोस्वामी। मैं अम्बरीश हूँ। जो कलश आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है। क्या? अगर मेरा साथ दिया तो 10 करोड़ दूंगा, वो भी एडवांस। मुझे तो लगा था तू तो खाली शरबत पीता है, लेकिन तू तो साथ में माल भी पीता है। Cheers. Cheers. हाँ? तेरे को क्या दावत दूं? लेता हूं ना भाई। ठीक है, तो मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। अच्छा लगा मिलके। चलो भाई, बाय बाय। हाँ उत्तम, बोलो। गुरु भाई, अवनी की जान को खतरा है, अगर उसे बचाना है तो इन्हें फंसाना होगा। पशुपति के दिमाग में कुछ चल रहा है, उस पर नजर रखिए। ठीक है, मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट। वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस सावधान रहना। वो कहाँ है? पशुपति और उसके आदमियों को बाहर रोक लेना। ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये इतना भी आसान नहीं है, वाकई बहुत मुश्किल है। बाकी स्वामी आपसे मुलाकात कर लेंगे। ठीक है। यहाँ क्यों रुक गया? बंदूक लेनी है। बंदूक काय को? अब हम मंजूनाथ के घर जाने वाले हैं। गलती हुई तो हम में से कोई जिंदा वापस नहीं आएगा। भेजे में उतर गया। चल ए, बस तू अकेला। वो मेरे को दे, मैं इसको संभालता हूँ। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी आप यहाँ बैठिए, मैं पार्टी को बुलाता हूँ। बंदूक संभाल कर। कागो देख रहे हो ना यहाँ कितने लोग हैं, गलती हुई तो गेम बच जाएगा। स्वामी जी आ गए हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार मंजूनाथ सर। बैठो मंजूनाथ। नमस्ते स्वामी जी। खबर मिली है कि ऐसा ही एक सीएम के पास भी है, क्या यह सच है? जो सुना है वो 100% सच है। वो एमएलए था तो सबने कहा सीएम नहीं बन पाएगा, लेकिन देखो हाई कमांड नहीं उसे कैसे एकदम से सीएम बना दिया। इसके पीछे उस मंदिर का कलश है जो उसके घर में एक दिन पहले पहुंचा। इसकी शक्ति ने उसे शक्तिशाली सीएम बनाया। क्या इसमें सच में इतनी ताकत है स्वामी? मंजूनाथ मैं तुम्हें ठीक से समझाता हूं। जानते हो राइस पुलिंग क्या होता है? अगर इस कलश को बीच में रखकर इसके चारों तरफ राइस डाल दें तो ये राइस को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब पुल करता है। इसे कहते हैं राइस पुलिंग। यही इसकी ताकत आजमाने की पद्धति है। क्या सच में इसमें इतनी शक्ति है? हम बस इसे साधारण कलश समझते हैं, जैसे हम मंदिर में एक मूर्ति रखते हैं और ध्यान लगाते हैं। तुमने ओम का मंत्र तो सुना होगा। वो ओम नहीं होता, आऊम। आऊम एक ऐसी आवाज है जो मुंह से बिना रुकावट आती है। इस आऊम की शक्ति से हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान से हम शब्दों को मंत्र में बदल देते हैं। और जब यही मंत्र रोज बोला जाता है तो मूर्ति में भी जान आ जाती है और फिर उसी मूर्ति को मंदिर में प्रतिस्थापित किया जाता है। जब इन मंत्रों का उच्चारण हर रोज 1000 बार होता है तो शक्ति मंदिर के ऊपर वाले कलश में समाती है और वहीं धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है। और जब उस शक्ति से भरे कलश पर बिजली कड़कती है तो इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि प्रलय ला सकती है। जब यही शक्ति किसी आदमी के हाथ लग जाए तो उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता, वो चक्रवर्ती बन जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रोज इसका ध्यान लगाना। भाई गाड़ी क्यों रोक दी? वाह वाह क्या कमाल की तकरीर झाड़ी है तूने। मेरे पास शौक हो गया होता तो मैं ही कलश खरीद लेता। मैंने जो कहा वो सच था। क्या कह रहा है? किसी को फंसाना है तो झूठ में थोड़ी सच्चाई होनी चाहिए। वाह वाह बड़ा शातिर है यार। जब यही शक्ति किसी आदमी के हाथ लग जाए तो उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता, वो चक्रवर्ती बन जाता है। ये कलश बहुत ताकतवर है। जिसके पास होता है वो भाग्यशाली होता है। वैसे तो ये पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कलश कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने कलश की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है। भाई मंजूनाथ का फोन। हर हर महादेव। बोलो मंजूनाथ। पैसा तैयार है, कलश कब तक देखने को मिलेगा? परसों ही पूर्णिमा की रात है, उस दिन शक्तियां चरम सीमा पर होंगी, तब देख सकते हो। बेहतर है स्वामी। हेलो जेठा जी नमस्ते। कलश तैयार रखिएगा। हाँ बेफिक्र रहिए। इधर लाओ। मैं कर लूंगी। जाओ जाकर आराम से बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ ना। तुम नाराज नहीं होती क्या? गुस्सा क्यों करना भैया, इतनी सी तो जिंदगी मिली है, इसीलिए जितना भी जिए ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। और मुझे लगता है जीने का यही सही तरीका है। अगर हमें जिंदगी में प्यार चाहिए तो फिर हमें प्यार देना भी सीखना होगा। सही कहा ना? सुनो, मेरे आने तक माइन मिनिस्टर से मुलाकात कर लो। ठीक है। आइए स्वामी जी, सर आप यहाँ बैठिए। सर बैठिए बैठिए। प्रणाम महाराज। ओम भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कलश निकालो। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय, ओम ओम। अरे ये पैसों वाले थैले हैं, इन्हें संभाल के रखो। आप एक मर्तबा मेरे घर जरूर आइएगा स्वामी। हाँ जरूर आऊंगा। सदा सुखी रहो। चलो जाओ। पैसे की बरसात किसे कहते हैं? इतने रुपए हैं? पैसे देख के बावले मत बनो। ठीक है, आप जैसा कहें। दादा, सीआई और उग्रप्पा को पैसे देने हैं, फिर मैं घर चला जाऊंगा। अबे एड़ा है क्या? ना पैसा कहीं जाएगा और ना ही तू। दादा, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे फिर से टोपी दे रहा है ताकि ये पैसे लूट के फरार हो सके। लूटना? तूने सुमड़ी में मेरे पीछे खबरी लगा दिया। पशुपति, ऐसा मत करो। आज तुझे एक वाकया बताता हूँ। बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसने हजारों बार मेरी मदद की। इसकी वजह से मैं उसका एहसानमंद हूँ, लेकिन एक बार उसने मुझे 10 की नोट के लिए धोखा दिया और मुझसे ये सहन नहीं हुआ। हाथ डाला उसे। ए, ए, बात सुन ले, उसके बाद दम तोड़। मैंने अपने दोस्त से 10 की नोट छीन ली, अब मैं उससे भी 10 खोके ऐसे ही छीन लूंगा और उसके साथ उसकी बीवी और उसकी होने वाली औलाद को भी खत्म कर दूंगा। दबोच लो उसे। दादा, मैंने आपसे क्या वादा पूरा किया? अरे क्या हो गया? अरे चिल्ला क्यों रही हो? ये क्या हो गया तुम्हें? अपनी अपनी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपनी संभालो अपने आप को, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ, अपने आप को संभालो। भाई साहब, यहाँ रिक्शा कहाँ मिलेगी? उधर आगे मिलेगा। वहाँ, शुक्रिया। दादा आप अन्याय कर रहे हैं, दादा प्लीज मुझे जाने दीजिए, दादा प्लीज मुझे जाने दीजिए। अबे तू न्याय और अन्याय की बात कर रहा है? हाँ। को फोन लगा, अभी लगाता हूँ। दादा नहीं, भाई साहब यहाँ रिक्शा मिलेगी क्या? अरे इस वक्त में कोई रिक्शा मिलता है क्या? तो कहाँ मिलेगी रिक्शा? नहीं मालूम भाई। भाई फोन नॉट रीचेबल है, बार बार लगाते रहे, लग जाएगा। ठीक है, लगातार कोशिश कर। भैया मुझे रिक्शा कहीं नहीं मिली, मुझे अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा, यकीन करो, तुम फिक्र मत करो। चलो आओ, उठो। अब नहीं, आ जाओ आराम से। मैं नहीं उठ पाऊंगी। डरो मत, मैं हूं ना, फिक्र मत करो, संभल कर बैठो, संभालो अपने आप को। मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें अस्पताल, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरा यकीन करो। कस के पकड़ो, आराम से आराम से आराम से। हाँ भाई बोतल ला। दादा इसमें उसकी क्या गलती है? उस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है। बैठ। भैया भैया अब मुझसे नहीं होगा। बस थोड़ी देर और, अस्पताल यहाँ से बहुत नजदीक है, संभालो संभालो अपने आप को, थोड़ी देर और बस। अपने अपने तुम डरना मत। अपने अपने भैया बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह सकती। मैं लेकर चलूंगा तुम्हें, अपने आप को संभालो, फिक्र मत करो, वक्त पर पहुंच जाएंगे। भाई घंटी जा रही है भाई। फोन उठाया तो उसको बोलना उसको जिंदा दफना के अड्डे पे आ जा। दादा दादा नहीं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। भाई घंटी जा रही है पर उठा नहीं रहा, आखिर वो कर क्या रहा है और क्यों नहीं उठा रहा है वो? दादा दादा उसके पेट में बच्चा है। बस थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। एक बार उससे बात करा दीजिए। थोड़ी देर और सब्र करो, हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, हमें यहाँ से कोई न कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। ज्यादा स्टैंड मत कर, पैसे पड़े उसमें। भाई गाड़ी मैं चला रहा हूँ, पैसों को कुछ नहीं होगा, ये है 100 करोड़ की सवारी। ना आराम से चला। लेकर आओ उसे। दादा दादा मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। चल चल खड़ा हो जा। दादा दादा अभी अपने लिए कबर खोद डाल। आप चाहे तो सारा पैसा रख लो। दादा मैंने अपना वादा निभाया ना, अपना वादा निभाया ना। दादा दादा आप भी अपना वादा निभाइए, मुझे जाने दीजिए। दादा दादा खोल दे इसको। चल उठ, खड़ा हो जा, चल उठ। ले चल बे, खुदाई शुरू कर। बस बस थोड़ी देर और, देखो एक गाड़ी आ रही है। ए, ए भाई, ए गाड़ी रुको। ए भाई गाड़ी रुको। अपनी अपनी तुम हिम्मत रखना, कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी। हाँ सब्र रखो। ए भाई रुक जा। ए भाई रुक। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं ले जाऊंगा तुम्हें, हॉस्पिटल ले जाऊंगा। रुक रुक, निकल निकल बाहर, निकल बाहर निकल। हॉस्पिटल जाना है। सब्र रखो अपनी, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। जल्दी पहुंचेंगे। हॉस्पिटल लेके चल, जल्दी चल 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 चल, सीधा हॉस्पिटल चल। वो कहावत है ना, अपने हाथों अपनी कबर खोदना। आपका जवाब नहीं भाई। रोक दे गाड़ी, रोक दे। हॉस्पिटल आ गया, बस बस थोड़ी देर और अपनी। अरे कोई है डॉक्टर? अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। बस बस कोई है, कोई है, जल्दी लेके जाओ, लेके जाओ। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हम लोग पहुंच गए, तुम्हें कुछ नहीं होगा अपनी, सब ठीक हो जाएगा। ये लो हॉस्पिटल का फॉर्म है, अपनी डिटेल्स भरो और साइन करो। अब वेट करो। मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं, अगर तू सच में है तो बच्चे और मां को बचा ले। ए भाई जरा जाके देख कितना फुट खोदा इसने। भाई इसने कबर गहरी खोदी है। इसको बोल खोदना बंद करो, इधर आजा। हाँ। ओए और कितना खोदेगा, भाई बुला रहे हैं, आजा। आ आ आ, आ। आखिरी बार बोल रहा हूँ दादा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती करना ही तो मेरा पेशा है। ए पशुपति, मैंने कहा था ना मेरे हर झूठ में सच्चाई होती है और मेरी हर सच्चाई में झूठ। मुझे 2 बंदूकें चाहिए गुरु भाई, एक असली और एक नकली। मैं खुद लेने आ जाऊंगा, किसी भी हालत में मेरे सिवाय किसी को अंदर मत छोड़ना, पशुपति को भी नहीं। ये है असली और ये है नकली। मैं असली वाली रखूंगा, नकली उसे दे दूंगा। पकड़ लो इसे। लड़का हुआ है, मदर और बेबी दोनों सेफ हैं। भाई अपनी को लड़का हुआ है भाई। ए बस वाह, इसने हमारे साथ गेम खेल डाला। उसकी बीवी और बच्चा दोनों को खत्म कर। भाई ये गुनाह है भाई, अगर तू उन्हें नहीं मारेगा तो ये मुझे मार देगा। हेलो ठीक है भाई, खत्म कर दूंगा। हेलो हंस क्यों रहा है तू? हंस क्यों रहा है तू? उसने कहा तेरी बीवी ने बेटे को जन्म दिया है और मैंने कहा तू उन दोनों को मौत दे दे। इस नंबर से मिस कॉल आया था। कौन बोल रहा है? ये तो चिकमंगलुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हेलो हेलो नहीं 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 नहीं। अरे 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 डिलीवरी के लिए आई है। अरे अरे वो डिलीवरी के लिए आई थी। कौन हो तुम? हाँ उसे बेटा हुआ था, वो अपने बेटे को लेकर चली गई। अरे बाहर निकालो उसे। अरे तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वो चले गए। कौन ले गया? कौन ले गया? पहले उसने हम लोगों को डराया और फिर माँ और बच्चे को ले गया। जरूर कोई गुंडा होगा। हाँ उस तरफ लेकर गया। हाँ वही लेकर गया। अरे जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। बता, बोल बोल बोल, हमने के साथ क्या किया? बता क्या किया मेरे बेटे के साथ? बोलने तो दे। बोल बता क्या किया? अरे बात तो सुन। क्या तूने? अरे बात पागल हो गया क्या? अरे क्या कर रहा है तू? पहले बात तो सुन। अरे रोक रोक। हमने तुम ठीक तो हो ना? हमने बस वाह। बस 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 सॉरी यार मेरे भाई। थैंक यू यार। बस वाह मेरे भाई। सॉरी सॉरी। ये एक मिनट एक मिनट। ये सारा पैसा रख ले। ये सारा पैसा तेरा तेरा पैसा है बसुआ। सब रख ले यार, रख ले मेरे भाई। अगर पैसे ही चाहिए होते तो अवनी और बच्चा दोनों को खत्म कर दिया होता। बसुआ सुनना। अवनी अब नहीं।